गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले मुझे एक बार बताएं कि ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हमारा जो सेशन है वो आगे स्मूथली कंटिन्यू रहेगा। तो पहला जो कंफर्मेशन है वो यही दे दीजिए कि सर ऑडियो एंड वीडियो ऑल आर क्लियर, सब क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। तो यस, आज का जो सेशन है वो हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं और आई होप कि आपने जो अलजेब्रा पढ़ा है वो एकदम से मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप कैलकुलस को भी वैसे ही एंजॉय करें जैसे आपने अलजेब्रा को एंजॉय किया था। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सब लोग एकदम से परफेक्ट एंड यस, सब लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। मेरे ख्याल से 5 मिनट का आपको वेट हो गया या 5-7 मिनट हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, इतना वेट तो चलता है ना। आज पहला लेक्चर था तो मैं जस्ट सारी चीजें अरेंज कर रहा था। मैंने कहा कि स्टार्ट करता हूँ और आज से हम लोग जो है ना वो लिमिट स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक ये है वो लिमिट है ना। लिमिट से पहले और थोड़ा और बेसिक जाते हैं तो हम फंक्शंस जैसे डोमेन, रेंज इन पे चले जाते, बट आई होप कि मतलब इतना वाला पार्ट जो है वो आपको आता होगा, डोमेन और रेंज वाला। सो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सैलेन सर हैं, दीप्तांशु सर हैं, तो सबको गुड आफ्टरनून एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं लिमिट को ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूं, बेसिक इन द सेंस बिल्कुल जीरो। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 11, 12 की मैथमेटिक्स से लेके चलना चाह रहा हूं। रीजन ये है कि हमारे अंदर क्या आदत होती है कि हाँ सर ठीक है, हमें सब कुछ आता है बट हमें कुछ नहीं आता। कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं और फिर बाद में हमारे क्वेश्चंस मिस होते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं बहुत इसमें हूं कि मुझे जल्दी जाना है, मेरा मैथमेटिक्स जल्दी फिनिश होना चाहिए, तो ही कैन लीव द क्लास, है ना। अगर किसी को बहुत जल्दबाजी है कि सर मुझे ना ऊपर ऊपर का पढ़ा दो, मुझे ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, तो डेफिनेटली यू कैन लीव द क्लास। बिकॉज हमारी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हम ऐसे एंड गेम ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, हम एंड गेम करेंगे मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ। गुड इवनिंग यस, क्लासिकल था, जीरो से हीरो लेवल तक की फीलिंग है। सैलेन सर ने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी कि जीरो से हीरो लेवल तक की फीलिंग है और मैं कोशिश करूंगा कि उस फीलिंग को मैं आपके लिए मेंटेन रखूं। इन केस अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कोई इशू है या सर ये वाली चीज जो है वो मिस हो गई, तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी, है ना। हाँ, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल निखिल के जस्ट, हाँ कैलकुलस में मजा आएगा, डेफिनेटली कैलकुलस में सबको मजा आने वाला है। और बिल्कुल जस्ट छोटी से छोटी चीजें कोशिश करेंगे कि हम ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल दोनों अप्रोच से करेंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट ना बचे। बिकॉज ग्राफ से अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है ना, बट ग्राफ को हमें समझ में आना चाहिए, तो हम दोनों की दोनों अप्रोचेस करेंगे, ग्राफ एज वेल एज एल्जेब्रिक, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग भी अभी तक नहीं आ पाए हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई सब लोग आ जाइए, और एक्ससी वाले जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, चाहे मैकेनिकल वाले हों, चाहे एक्ससी वाले हों, चाहे सिविल वाले हों, कोई भी बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाटएवर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना। बिकॉज मैथमेटिक्स इज कॉमन और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को भी साथ में रिलेट कर पाऊँ, है ना। जनरली होता है ना कि इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन, सर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो यस हम लोग उनको भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। तो आई होप कि सब लोग मस्त होंगे एकदम से सारे के सारे। मैं जस्ट एक और भी जो बच्चे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देता हूं ताकि हम लोग सब लोग अपना सेशन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो चलिए मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, एक बार मुझे जस्ट बता दीजिए कौन कौन से। सबको शेयर कर दिया, गुड, सबको शेयर कर दिया। एंड जस्ट मुझे बता दीजिए कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, किस ब्रांच का आज दबदबा रहने वाला है, कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे यहाँ हैं जिनका दबदबा रहने वाला है। बिकॉज मतलब हम, मैं देखता हूँ केमिकल डोमिनेट कर जाता है सब जगह पे, है ना। हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, नो डाउट। यस केमिकल यस केमिकल डबल ई एम ई और मैकेनिकल केमिकल सारे के सारे, कुछ रॉयल सिविल भी हैं। यस रॉयल सिविलियन प्रतीक सर और रॉयल केमिकल केमी वॉरियर्स प्रति और सैलेन सर और कुछ इलेक्ट्रिकल वाले भी बच्चे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी हैं और कुछ हमारे मैकेनिकल के भी होंगे, है ना, कुछ हमारे मैकेनिकल के भी होंगे। तो मैकेनिकल को चलो हम लोग बोल देते हैं कि हम निकम्मे हैं, है ना, कि जैसे भी हैं सब सब अच्छे हैं सर।
चलिए तो बेटा हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे बच्चे और मैथमेटिक्स सबका कॉमन है, सबका अच्छा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई निकम्मा नहीं है, सब लोग रॉयल हैं, सब लोग करने जा रहे हैं और सबका काम एक है कि हमें 13 मार्क्स को गेन करना है। अगर मैं यहाँ से जस्ट बेटा कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस का इन ऑन एन एवरेज जो वेटेज है वो आपका 4 मार्क्स ऑन इन जनरल, अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स का कैलकुलस आपसे पूछा जाता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, दिस इज मी। और अगर मैं अपने बारे में जस्ट थोड़ा सा आगे बात करना शुरू करूं, सो दिस इज माय प्रोफाइल, माय नेम इज योगेश त्यागी एंड आई एम फैकल्टी एट आर एकेडमी, दिस इज माय प्रोफाइल। अगर आपको यहां से किसी ने मुझे फॉलो ना किया हो तो डेफिनेटली वो मुझे फॉलो कर सकता है ऑन आर एकेडमी, ठीक है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा प्रोफाइल है, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8+ इयर्स एंड आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई एम स्पेशलिस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स। राइट नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। अगर अभी तक की बात करें, मॉड्यूल 1 कब हुआ मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा मैंने नहीं पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा जो है वो सेलेन सर ने पढ़ाया है, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं लीनियर अलजेब्रा का लिंक जो है वो आपको शेयर करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पहले आप एक दो दिन हमारी फीलिंग मिल जाने दीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। अभी यहाँ पे कल ही लेक्चर फिनिश हुए लीनियर अलजेब्रा के, बट कोई बात नहीं, ये सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है। और अभी तक की बात करूं तो मोर देन 100 करियर सेमिनार्स मैं दे चुका हूं। इनकेस अगर आपको कहीं पे भी अनअकैडमी पे कुछ भी अगर फ्री अनलॉक करना है या आपको पेड अनलॉक करना है तो आप त्यागी 100 कोड यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच के हो, डज नॉट मैटर। जो लोग फर्स्ट टाइम है, जिन लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद गेट ईएससी वाला सेक्शन, अगर आप हैं गेट ईएससी के लिए तो इसका सेक्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक आती रहे। स्पेशल क्लासेस, लाइव टेस्ट, फ्री क्विजेस, अनअकैडमी कॉम्बैट, एंड अगेन अगर आपसे पूछ लेता है कि आप इनवाइट कोड बता दीजिए तो यस इनवाइट कोड इज व्हाट, त्यागी 100 आप ये कोड यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, जहां पे भी आपको अनअकैडमी में यूज करना है। दीज आर सम ऑफ माय सब्जेक्ट्स। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी और ये आईसी इंजन, यहां से अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने मुझसे यहां से जस्ट कहीं ना कहीं पे पढ़े होंगे, ठीक है। ये मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं लेता हूं इन जनरल, और कहीं ना कहीं पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हम लोग यहां से बात करते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस की बात करूं तो नो डाउट आपकी जो क्लासेस होती है वो इंटरेक्टिव होती है, इसमें आपके पोल्स रहते हैं जिसे आप कॉन्टिन्यूसली वॉच कर सकते हैं और अपने आप को पता कर सकते हैं कि मैं कहां पे लाइव कर रहा हूं, ठीक है। आपकी क्लास मिस ना हो इसलिए कॉन्टिन्यूसली आपके पास नोटिफिकेशन आती है, लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी आप लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और कहीं पे भी आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से क्लासेस दिखती है, अगर मैकेनिकल सिविल केमिकल वाले हैं तो इस टाइप से क्लासेस देख सकते हैं, और बाकी लोग मैथमेटिक्स के जो सेशंस रहेंगे वो मैं बताऊंगा। जिस किसी ने मुझे फॉलो ना किया हो वो जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना, ताकि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, कभी क्लासेस अगर आती देते तो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी, मेरी जो भी क्लासेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके पास, ठीक है। अनअकैडमी आपको वैसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज देता है, कहीं पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज देता है। बट अगर पेड कोर्सेज की बात करें, किसी का अगर प्लान 2022 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, 23 वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2023 वाले का अगर कुछ गजब टाइप का प्लान है कि सर मैं करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आप 2023 के लिए अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पे जा सकते हैं। आपका 22 का टाइम आ गया, जो भी होना था वो हो चुका, अब आप 23 वाले जितने भी हैं, लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, हिंदी और इंग्लिश, और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस दोनों, ये प्लस जो है वो पेड है, आइकॉनिक जो है वो भी पेड है। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है, आपको स्टडी प्लानर भी दिया जाता है, यहां से प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, एंड इन केस अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो यू कैन यूज द कोड त्यागी 100, ठीक है। चलो इन सब का डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हमें लग रहा है कि हम लोगों को अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करना चाहिए, टाइम इज अप, और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी सारा जो डिस्कशन है वो बाद में करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 5-7 मिनट लेट थे और अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मुझे जस्ट वो जयकारा बता दीजिए कि हाँ, सारे के सारे आर यू रेडी फॉर दिस। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैलकुलस और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकेंड मॉड्यूल। क्या अभी सब लोग रेडी हैं? यस, मचा देंगे ना कैलकुलस में मचा देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिमिट पे है, आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 1, तो हम लोग लिमिट पे बात करने जा रहे हैं कि लिमिट क्या होती है। मेरा पर्सनल सजेशन आपको कि जितने भी लोग हैं, जिस किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कहीं से भी है, तो आप फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा, है ना,
फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा जिसमें आप डोमेन और रेंज की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको डोमेन रेंज भी पढ़ना है, तो मैं इसको आपको स्पेशल में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आपको फंक्शंस, रिलेटिव फंक्शंस के या रिलेशंस ऑफ द फंक्शंस रिलेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो एक बार मुझे अभी बता दीजिए, ऐसा ना हो कि हमें बाद में कुछ इशू है, हमें बाद में इशू नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको स्पेशल में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, बस मैं इतना मान के चल रहा हूं कि इतना आपको आता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे यूज होगा, और यूज होगा तो फिर कहीं ना कहीं पे हमें परेशानी इसकी होगी। जय माता दी, सबको जय माता दी का जयकारा लगाने में किसी को कोई इश्यू नहीं है, सब पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा देना सर, है ना। तो ठीक है, इसके लिए फिर आपको स्पेशल पे आना पड़ेगा, है ना, इसको स्पेशल पे आना पड़ेगा, डोमेन रेंज पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे आइडिया लग गया है कि आपका क्या है, तो इसको हम लोग करेंगे स्पेशल पे, और मैं आपको बता दूंगा कि कब करेंगे, सैटरडे संडे में कभी एक क्लास लगा लिया करेंगे, एक एक क्लास मतलब 2-3 क्लास में इसको निपटा लेंगे जो भी है, ठीक है। मैं ले लूंगा क्लास, आप परेशान मत होइए। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, हमारी जिंदगी में कैलकुलस है, हमारी जिंदगी में अलजेब्रा है ना। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, अगर मैं यहां से कैलकुलस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं से अगर मैं सारी पॉइंट्स के बारे में बात करना शुरू करूं, तो मुझे एक बड़ा सा, एक अजीब सा अगर पॉइंट मैं ये बोलूं कि सर मेरी जिंदगी में ये लिमिट क्यों आई, अगर मैं थोड़ा सा जैसे इसमें बारे, चलो छोड़ो छोड़ो सब कुछ छोड़ो अभी कभी, हाँ मैं पक्का लूंगा, ठीक है मैं पक्का लूंगा। पहले इधर देखो, सारे के सारे कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इधर देखिए कमेंट के लिए, जब मैं बोलूंगा कि डाउट पूछिए तो डाउट पूछने, और नहीं करना है तो नहीं करना, अगर आपको सीरियसली पढ़ना तो ठीक है, नहीं तो कल मुझे पता है कि आज 160 है, कल 100 बचेंगे, उसके बाद 80 बचते हैं, तो दैट्स डज नॉट मैटर। मैं बोल रहा हूं कि जो सीरियस बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम से कमेंट करना बंद करें, पहले इधर देखें। तो हम यहां से बेटा जो बात करने जा रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ गई, कहीं पे भी अगर हम यहां से थोड़ा सा भी डिस्कशन स्टार्ट करें तो हमें लिमिट्स की क्या जरूरत पड़ गई, रियल लाइफ में बात करें एज वेल एज सर हम यहां से इंजीनियरिंग लाइफ की बात करें, दोनों केस में हमें ऐसा क्या हुआ कि इस लिमिट्स की जरूरत पड़ गई, हमें लिमिट को पढ़ना पड़ गया, हम सर इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या लिमिट की बात कर रहे हैं। देखो जब भी हम यहां से लिमिट की बात करते हैं, हम हर जगह पे लिमिट को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेटर, अभी आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, तो शादी के लिए घर वाले, कभी कभी होता ना कि मतलब घर वाले जा रहे हैं आपके लिए, कोई लड़का है तो लड़की देखने जा रहे हैं, और लड़की है तो लड़का देखने जा रहे हैं, है ना। अब जब लड़का देखने जाते हैं तो लड़का देखते टाइम अब लड़के के बारे में कैसे जानते हैं, लड़के के बारे में कैसे जाने, तो हम क्या जाते हैं, हम उसकी फैमिली पे जाते हैं, हम कहां जाते हैं, हम उसकी फैमिली पे जाते हैं, तो फैमिली के इर्द गिर्द हम सारी की सारी चीजें करते हैं कि फैमिली के इधर, फैमिली के उधर, फैमिली के इधर और फैमिली के इधर, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़, उसके भाई बहन क्या करते हैं, है ना, उसके पापा क्या करते थे सर, उसका प्रॉपर्टी कितना है, वो जॉब कौन सी करता है, उस जॉब में क्या क्या चीजें, तो हम वहां पे करते क्या है, हम एक्चुअल में रियल लाइफ में जस्ट यूज करते हैं कि अगर इसके नाइबर्स, जो भी नाइबर्स हैं, जो भी मतलब आसपास के लोग हैं, वो सही हैं, तो हम उसी से अज्यूम करते हैं कि हाँ लड़का भी सही होगा, किसी के अंदर थोड़ा ना घुसे यार, किसी के अंदर थोड़ा ना घुसे हैं कि वो क्या है, लेकिन हाँ हम उसके नाइबर से बात करते हैं कि हाँ भाई ये अगर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो लड़का भी ठीक ही ठाक होगा सर, उसमें थोड़ा ना कोई कमी होगी, है ना। तो लिमिट का यूज एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि हम एक अप्रोक्स वैल्यू की बात करते हैं, हम किसी भी फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं कि हाँ एग्जैक्ट, आइडियल तो कुछ भी लाई नहीं करता ना, आइडियल तो कुछ भी लाई नहीं करता, तो सर हम यहां पे इसकी अप्रोक्स वैल्यू की बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम इसके नियर बाय बात करेंगे तो सर ये ऐसा ऐसा बिहेवियर देगा, ये फंक्शन भी ऐसा ही बिहेवियर देगा। रियल लाइफ में आप बहुत सारे, जैसे हमें कार पे बात करते तो हम अप्रोक्सीमेटली बात करते कि यार लगभग 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम अगर ट्रेन से बात करते तो अप्रोक्सीमेटली बात करते, कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं देते ना कि इतनी देर में पहुंच जाएंगे, 2 मिनट पीछे या 2 मिनट आगे, है ना। शादी वाला एग्जाम्पल आ गया, हाँ एग्जाम्पल तो आएगा, ऑब्वियसली एग्जाम्पल तो आएंगे, तो हमें यहां से जस्ट अगर लिमिट की बात करनी चाहिए तो रियल लाइफ में कहीं पे भी, मैंने बोला कि मुझे ट्रेवल करना बैंगलोर के लिए, तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू की बात करते हैं, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलता कभी भी कि मैं 4 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाऊंगा, मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं फ्लाइट से जाता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं 2 PM के आसपास पहुंचूंगा, अब ये तो 2 PM मैं बाद में पहुंचूंगा या 2 PM के पहले पहुंचूंगा, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा सर, है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पहुंचूंगा, ये जस्ट हमारा यहां से
ठीक है, तो हम थोड़ा सा जस्ट जब भी बेटा बात करना शुरू करते हैं लिमिट के बारे में, प्लीज 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 यहां से जस्ट जस्ट अभी शांत रहिए, है ना, अभी चलने दीजिए। एग्जांपल्स तो आपको मिलते रहेंगे, बट आपको समझ आना जरूरी है, कोई भी चीज रटना नहीं है ना, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, लिमिट को फील कर लेना और सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, शॉर्टकट्स भी पता चलेंगे और हमें ग्राफिकल भी पता चलेगा, एल्जेब्रिकल भी पता चलेगा, लेकिन उसके लिए शांति रखनी पड़ेगी, है ना। अब चलिए देखते हैं, चलो चलो इंजीनियर के लिए बेस्ट मोटिवेशन एग्जांपल है ना। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि सर अप्रोक्सीमेटली, जैसे हम बात करें कि सर गेट का एग्जाम है ना, अभी तो हम जस्ट लगाते हैं, जब तक डेट नहीं आती है तो हम फाइनली, जब तक डेट नहीं आती तब तक बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इतना, मेरा एजम्पशन ये है सर इतने पे कट ऑफ इतना जाएगा, तो सारी की सारी रियल लाइफ में हम लिमिट्स की बात करते हैं। अब बात यहां से जस्ट आती है कि सर इंजीनियरिंग लाइफ में हमारे क्या यूज है। मैकेनिकल वाला बच्चा बोल सकता है कि मेरी लाइफ में क्या यूज है, केमिकल वाला बच्चा बोल सकता है कि मेरी लाइफ में क्या यूज है, सिविल वाला बच्चा बोल सकता है कि मेरी लाइफ में क्या यूज है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा बोल सकता है कि मेरी लाइफ में क्या यूज है। अच्छा, अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं, जब मुझे एसी करंट्स की बात करनी होती है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जब मुझे एसी करंट्स की बात करनी होती है, तो मैं वहां पर लिमिट फंक्शंस को यूज करता हूं, है ना, कि हमें यहां से लेके सर ये वाला जो करंट है, यहां से हमारा जो भी करंट है, जो भी अल्टरनेटिव करंट्स है, तो अल्टरनेटिव करंट से मुझे लिमिट को यूज करना, मैं उसके बिना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलस का आपके लिए इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप यहां से जस्ट बात करेंगे, मुझे स्विचिंग में ट्रांजिएंट इफेक्ट देखना है, अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की बात करूं तो मैं हम जस्ट बोलते हैं कि सर मुझे स्विचिंग में ट्रांजिएंट इफेक्ट देखना है, तो सर मैं लिमिट का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। सिविल वाले बोल सकते हैं कि सर मेरे में क्या है, आप बेंडिंग ऑफ बीम्स देखते हैं, तो हम लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं कि हाँ इतने पे ये बीम जो है वो बेंड हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लगाते ना, बेंडिंग ऑफ बीम्स की बात कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्स जितने बनाते हैं उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसमें आप लिमिट्स की बात कर सकते हैं, आप ट्रसेस में लिमिट की बात कर सकते हैं। आप सुनो ना बात को, कि हमें एग्जैक्टली लिमिट को पढ़ना क्यों है, मेरे इंजीनियरिंग को इसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोला क्यों गया, मैं क्यों बोलता हूं कि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो मेरी लाइफ में क्या वाकई में इसका यूज है, यस आपकी लाइफ में यूज है। इलेक्ट्रिकल वाले अगर स्विचिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अगर एसी करंट की बात करते हैं, सिविल वाले अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेंडिंग ऑफ बीम्स की बात करते हैं, वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली सिविल वालों को यूज होता है, ठीक है, ऑब्वियसली सिविल वालों के लिए। अब मैकेनिकल केमिकल वाले सोचते हैं सर हमारे लिए तो कुछ बोले नहीं, अरे तुम्हें कहीं पे भी टेम्परेचर मीजर करना होगा, विदाउट लिमिट नहीं कर पाओगे, तुम्हें कहीं पे भी टेम्परेचर मीजर करना होगा, तुम लिमिट का फंक्शन यूज करोगे, केमिकल सिविल वाले, केमिकल और मैकेनिकल वाले, ठीक है। सिविल वालों को कोई बड़ा सा एरिया मेजर करना है तो आप लिमिट की बात करोगे, आपको एरिया निकालना पड़ेगा तो आप वहां पे कैलकुलस लगाओगे। तो हम जितने भी लोग हैं जहां जहां पे हमारी लिमिट का यूज होगा वहां पे करेंगे, बस ये चीज समझ के चलिए कि मेरे रियल लाइफ एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ दोनों जगह पे हमारा यूज है, और हमारे इंजीनियरिंग में इसका कहां कहां पे यूज होता है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा, यस केमिकल वाले टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं क्या, केमिकल वाले टेम्परेचर मीजर नहीं करते हर जगह पे, तो इनको टेम्परेचर मीजर करना होता है कि हाँ मुझे टेम्परेचर मीजर करना है, मुझे सर यहां से इतना वॉल्यूम मीजर करना है, तो सब जगह पे आप ये मीजर जहां पे भी बात करेंगे वहां पे आपको लिमिट की बात करनी पड़ेगी, वहां पे आपको लिमिट की बात करनी पड़ेगी, और इस टाइप के आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो हीट फंक्शन वगैरह जो भी है वो हम लोग यहां, चलो अब यहां से जस्ट बेटा हम आगे बात करते हैं, दिस इज जस्ट अ कॉमन इंट्रोडक्शन कि हमें यहां पे लिमिट इसलिए पढ़नी है कि मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में भी यूज है, चाहे सिविल वाला हो, चाहे मैकेनिकल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला हो, और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है, तो हम सब में सर बात करेंगे। चलो यहां से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि हम लिमिट्स की जस्ट बात करते हो, सर लिमिट का कॉन्सेप्ट हम कैसे डिस्कस करेंगे, सर कहां से हम डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन आया, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिया। अब हम यहां से अगर इस फंक्शन को देखना शुरू करेंगे तो सर हमें 2 मिनट लगता है इस फंक्शन को पता करने में, क्या पर 2 मिनट लगता है सर ये बताइए। अगर मैं फंक्शन की x is equal to, जस्ट मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं कि सर इस फंक्शन की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस सर, आप मुझे बताइए क्या ही फंक्शन आपने बता दिया है, ये आपने क्या ही फंक्शन बता दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू सर आप एक्स स्क्वायर बाई एक्स बोल रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर बाई एक्स बोल रहे हैं। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स बोल रहे हैं, तो सर अगर मैं यहां से f1 को डिफाइन करूंगा, समझना मैं यहां से f1 को डिफाइन करूंगा तो ऑब्वियसली मैं यहां से बोल दूंगा 1 आ जाएगा, अगर मैं यहां से f2 को डिफाइन करूंगा तो ऑब्वियसली मैं बोल दूंगा 2 आ जाएगा, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में यहां से f0 की बात आती है अब हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो, जैसे ही वो बात आ जाती है हम थोड़े से कंफ्यूज आते हैं, सर अब क्या करें,
आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर हम यहां से जस्ट बात करेंगे जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाई जीरो, जीरो जीरो कट गया और सर जीरो बचा, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो हमें यहां से जब भी लिमिट को डिफाइन करना होता है तो हम लिमिट में एक नाइबरिंग वैल्यू पे जाते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू पे जाते हैं और वहां से हम निकालना शुरू करते हैं। अब सर ये नाइबरिंग वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू पे हम कैसे बात करते हैं, ये चीज पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और यहां से हमने जस्ट बोला कि जैसे ही हमारा फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है तो हम उस फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू पे जाते हैं। अभी मैं कोई लिमिट की डेफिनेशन आपको नहीं लिखा रहा हूं, कोई भी लिमिट की डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, जब नंबर आएगा तो मैं लिखाऊंगा। हमने यहां से जस्ट बोला कि सर मैं इसके एक लिमिटिंग वैल्यू पर जाऊंगा, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू पर जाऊंगा और मैं जिस लिमिटिंग वैल्यू पर जाऊंगा उसी को सर हम यहां से लिमिट बोल देंगे कि इस पॉइंट पे ये डिफाइंड, उसी को सर हम यहां से लिमिट बोल देंगे कि सर हम इस पॉइंट पे ये डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था कि शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो मुझे उसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए होती है, कहीं पे भी अगर हम है ना, कहीं पे भी अगर हम यहां से ऐसे बात करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू, जैसे फॉर एक एग्जाम्पल आपके लिए बोला जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब अब मुझे लड़का देखने जाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके आसपास देखूंगा, चलो लड़का देखना वाला बांध काम दोबारा कर, कॉलेज में गए है ना, कॉलेज में गए और टीचर को इंटरनल मार्क्स देने, अगर किसी टीचर को इंटरनल मार्क्स देने हैं तो इंटरनल मार्क्स में टीचर क्या करेगा, अब उस लड़के के बारे में उसको कुछ नहीं पता कि इसको इंटरनल मार्क्स देने, तो क्या करेगा भैया, इस लड़के के लिए इंटरनल मार्क्स है तो वो इसको देखेगा, इसको देखेगा, उसके दोस्तों से पूछेगा अभी कैसा है वो। तो जब दोस्त ही हमारे जैसे लोग, जैसे हम लोग मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या है, अरे हमारा ग्रुप ही अजीब होता है, तो ये बोलेगा जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये। अगर कोई अच्छा वाला ग्रुप हुआ, अच्छा वाला ग्रुप हुआ तो लड़का अच्छा ही होगा, इसका मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है ना, इमेज का इफेक्ट पड़ता है कि हमारा ग्रुप कैसा है, हालांकि हमारे हमें मतलब उसे कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली बाहर वालों को फर्क पड़ता है कि आपकी इमेज कैसी है। और जब इमेज पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम यही चीज चेक करते हैं कि हाँ आसपास की इमेजेस कैसी है, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम यहां से इनकी बात करें, हाँ घर में कोई, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था कि भाई कोई भी इसका ग्रुप कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू पे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ हमारे जैसा है, हाँ बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा है, हम सारे के सारे, अब जैसे हमें इंटरनल देने किसी टीचर को, या हमें किसी को देखने जाना है, या मुझे किसी के बारे में पता करना है ना, लेट सपोज आपका कहीं पे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होने वाला, तो आपके बारे में पता करना है, पता करना है तो क्या होता भाई, जैसे वेरिफिकेशन के लिए आता, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना तो वेरिफिकेशन के लिए आता है। अब वेरिफिकेशन के लिए आपके अंदर थोड़ा ना घुसा है, तो आपके आसपास लोगों से पूछा जाता है, ये बताओ लड़का कैसा, कोई केस वेस तो नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं, और वो वेरिफिकेशन तुरंत खत्म हो जाता है कि सर अरे ठीक है समझ लेंगे ना सर, क्यों फालतू के वेरिफिकेशन कर रहे हो, होता है कि नहीं, है ना। तो आप जब वेरिफिकेशन होगा तो ऐसे ही होगा कि हाँ कैसा लड़का है, वो इन पे इन पे इन पे इन पे डिपेंड करेगा, वो जैसा भी हो, ठीक है, वो जैसा भी हो। तो चलिए हम लोग यहां से जस्ट लिमिट को स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी भी फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं जिसको मैं लिमिट के नाम से जानता हूं, एक एक चीज मैं बताऊंगा बिल्कुल जीरो से, है ना। आप माइनस पे हो तो मुझे बता देना, मैं फंक्शन वाली वैल्यू भी बताऊंगा, मैंने आपको बोला है ना। हाँ चलो 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 यहां से चलिए चलिए चलिए। हाँ अभी यहां से मैं महाकाल की बात करें, अब यहां से बात करते हैं कि जब मैं इस फंक्शन की बात करूंगा तो सर इस फंक्शन को मैं कैसे कैसे बात करूंगा, इस पर कैसे कैसे डिफाइन करूंगा। मैंने बोला कि मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं इस फंक्शन को यहां से, अगर मैं यहां से जस्ट फंक्शन की बात करूंगा तो मैं यहां से जस्ट बात कर रहा हूं f ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास सर डिफाइंड नहीं है। अगर मैं f ऑफ जीरो की जस्ट बात करूं, फंक्शन f ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, हम यहां से जीरो कर सकते हैं। सुनना, दो चीजें मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, उन दोनों चीजों को समझिएगा। एक चीज जो मैं यहां से भी बात करने जा रहा हूं, एक हमारे पास है x इज इक्वल टू a और एक हम जो यहां से बात करेंगे x टेंड्स टू a। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको बिल्कुल बेसिक ना पढ़ना, माइनस पर है सब बता, मैं सब बताऊंगा। अभी लिमिट मैंने खत्म थोड़ा ना की, लिमिट में कम से कम 6 से 7 लेक्चर लगूंगा, तो थोड़ा सा टाइम रखो ना। ये अगर हम यहां से x tends to a और x is equal, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये लग रहा हो नहीं सर मैं मतलब इतना बेसिक से नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा हो तो प्लीज वो भी बता देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि वो जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा, जहां पे भी हम बात करेंगे सर डिफाइंड नहीं है, वहां पे हम जस्ट ये रखेंगे, इसको एक सर्कल से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, जैसे उन्होंने ये शो कर दिया। अब आप यहां पे 1 की बात कर रहे थे, देखो 1 मिल रहा है, यहां से 2 की बात कर रहे थे तो 2 मिल रहा है, यहां से -1 की बात कर रहे थे -1, -2 की बात कर रहे थे -2। बस हमें क्या दिक्कत थी सर,
है ना। बस हमें यहां से क्या दिक्कत थी, हमने यहां से जस्ट बोला कि सर एक चीज बताइए, आपने F0 is equal to 0 लिया है, दैट इज ओके, मुझे आपकी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। बट यहां से दो चीजें आप बात कर रहे हैं, एक फंक्शन की वैल्यू बात कर रहे हैं, एक लिमिट की बात कर रहे हैं। दो चीजें आती हैं, फंक्शन आपका यहां से डिफाइंड है या नहीं और लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दो चीजें हमेशा आती हैं, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। ध्यान रखना, जब जब आपसे यहां से फंक्शन की बात करेगा, ध्यान रखना, जब जब आपसे फंक्शन की बात करेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं उसको पूरा, जब जब आपको फंक्शन की बात करेगा तो फंक्शन के लिए आप जो वर्ड यूज करने वाले हैं दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आप इसी में आदेश ज्यादा इसी में गलती करते हैं, नॉट डिफाइंड। और अगर लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट के बारे में हम जो बात करते हैं दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड, दो वर्ड यूज करते हैं और कुछ नहीं है, ऐसा उसने जस्ट बोला। अगर मैं इसको जस्ट बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये फंक्शन सब जगह पे वैलिड है, दिस फंक्शन इज वैलिड इन ऑल डोमेन, जितने भी डोमेन है सब जगह वैलिड है, केवल एक जगह वैलिड नहीं है। यहां से आप बोलोगे सर केवल एक जगह वैलिड नहीं है, किस पे बेटा, जीरो पे। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये सब जगह वैलिड है, ये थोड़ा सा फंक्शन का पार्ट है बट फिर भी लिखना आपको आना चाहिए, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। आप यहां से बोलोगे कि ऑल डोमेन सब जगह वैलिड है, केवल जीरो पे वैलिड नहीं है, केवल ये बेटा यहां से जीरो पे वैलिड नहीं। लीनियर अलजेब्रा का, हाँ ठीक है, सर ने लीनियर अलजेब्रा का जो मॉड्यूल है उसको शेयर कर दिया है, तो जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको वॉच कर सकते हैं। यहां से देखिए, अभी हमने बेटा यहां से इसकी बारे में बात करना शुरू की। अब सर जीरो पे कैसे चेक करेंगे, जीरो पे हम या तो इसके नाइबर्स को चेक करेंगे इस साइड, या हम इसके नाइबर्स को चेक करेंगे बच्चे इस साइड। अब जब नाइबर्स पे चेक करेंगे तो सर हमें यहां से जीरो प्लस और जीरो माइनस पे डिस्कशन करना है। फंक्शन की वैल्यू बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पे कितनी आ जाएगी, आप यहां से क्लियरली देखेंगे कि सर F0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है। सर अभी ये डिफाइंड नहीं है तो हम यहां से नॉट डिफाइंड लिखेंगे, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। हाय रजत, हाय 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 हाय, इधर देखो, अभी हमें यहां से जस्ट ये देखना सर क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो हम जीरो प्लस की बात करेंगे तो जीरो प्लस का मतलब क्या है, आप यहां से ले सकते हैं जीरो पॉइंट, इधर लिख देता हूं ना, यहां पर कट कर देता हूं। जीरो प्लस का मतलब हम यहां से लिख देंगे सर 0.00000000, जितने जीरो तुम्हारे लग जाए, जितने जीरो तुम लगा पाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मैं थक गया हूं तो आप यहां से जस्ट जीरो प्लस, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू। और जीरो माइनस का मतलब आप यहां से जस्ट आएंगे कि माइनस हम सर जीरो से नीचे आ रहे तो माइनस ऑफ 0.00000000, जितने जीरो लगा पाओ उतने जीरो लगा दो, ठीक है। हाँ, मैं जिसका भी फर्स्ट लेक्चर है, सबका ही फर्स्ट लेक्चर है आज, सारे के सारे मुझे पहली बार ही मिल रहे हैं, सारे के सारे मुझे पहली बार ही मिल रहे हैं। किसी को विजिबल तो ऐसा तो नहीं है कि विजिबल ना हो, किसी को ऐसा तो नहीं है कोई कि जिसको विजिबल ना हो, ऐसा लगे कि नहीं सर मुझे विजिबल नहीं, मुझे एक बार बता दीजिएगा कि विजिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, जब हम जीरो प्लस या जीरो माइनस की बात करते हैं बेटा, जीरो प्लस या जीरो माइनस की बात करते हैं, तो हमने बोला कि सर हम इसको कुछ इस टाइप से मेरे ख्याल से डिफाइन करते हैं। आपको पता होगा सर हमें जीरो पे बात करनी, जीरो वन जो भी है हमारा एफ एक्स है, और एफ एक्स पे सर हम दो पॉइंट पे बात करते हैं, एक हमारा जीरो प्लस और एक हमारा जीरो माइनस। जो हमारा जीरो प्लस है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं, और जो हमारा जीरो माइनस है उसको हम यहां से, हम सॉरी मैं उल्टा लिख गया हूं, इसको बेटा हम यहां से जो जीरो प्लस है और जीरो माइनस है इसको हम यहां से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट से जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट। मैं बिल्कुल आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं लिमिट पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड बाय, अब मेरी बात सुनो, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं आपके पॉइंट पे भी आ रहा हूं। अभी अभी जस्ट मैं यहां पे चलना शुरू किया था, ठीक है, यहां पे अभी हमने जस्ट एक मिनट कहां था, हम इस पे जस्ट बेटा बात कर रहे थे कि सर हम यहां पे f0 is equal to 0 नहीं लिख सकते, F0 is equal to 0 नहीं लिख सकते डायरेक्टली, मैं अभी उसको बता रहा हूं, अभी नॉट डिफाइंड वगैरह कहीं नहीं लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि सर हम फंक्शन की जब बात करते हैं तो नॉट डिफाइंड लिखते हैं, इसके लिए अभी मैंने कोई बात नहीं किया ना, लिखते, लिमिट की बात करते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखते, ये राइट अप है, ये राइट अप है, ठीक है, ये राइट अप है मेरे बच्चे कि हमें जब लिखना होता किसी फंक्शन के बारे में तो नॉट डिफाइंड लिखते हैं, और जब हम लिमिट के बारे में लिखते हैं तो हम डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, बस इतना सा राइट अप, ठीक है। तो वो राइट अप समझिए, बाकी मैंने अभी यहां से कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसके लिए आप यहां से बोल सकते हैं।
अब मेरी बात सुनो, अगर हम यहां से जस्ट बेटा इस फंक्शन को लिखना चाहें तो मैं यहां से लिख सकता हूं। यहां से मैंने बोला कि सर अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूं fx को, तो fx को कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है x2 by x। मतलब हमारे पास क्या है कि सर ये जो fx है वो सब जगह पे आपकी वैल्यू x दे रहा है जब x नॉट इक्वल टू 0। क्या ये मैं लिख सकता हूं कि सर ये सब जगह पे आपकी यहां से जो भी वैल्यू आ रही है x2 by x जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो सर ये इतना दे रहा है। और अगर हम यहां से बात करें इसके बारे में तो हम क्लियरली लिखते हैं कि नॉट डिफाइंड जब हमारा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 बाई 0 तो कट नहीं कर पाएंगे ना, 0 बाई 0 तो कट नहीं कर पाएंगे ना। मैं स्क्रीनशॉट दूंगा ना आपको, क्यों परेशान हो बच्चे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि इस फंक्शन का जो हमारे पास है वो सारे के सारे डोमेन में डिफाइंड है, केवल 0 पे बात नहीं कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप परेशान मत होइए उसके लिए, है ना, कि सर प्रैक्टिस के लिए क्या होगा क्या हो, वो मेरा काम है ना, वो मेरा काम है, तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये तो बात आती फंक्शन की, कि फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट अ पॉइंट दैट इज 0, तो हमने यहां पे लिख दिया नॉट डिफाइंड। आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, आप डायरेक्टली फंक्शन की बात करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और सर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये मुझे आता है, मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको मुझे जस्ट करना क्या है, आपको मुझे जस्ट इसको बताना है कि हाँ मैं आपको इसको जस्ट डिफाइन करा। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी। मैंने बोला कि सर मैं लिमिट पे बात करना चाह रहा हूं, लिमिट मैंने यहां से x टेंस टू 0 लिया, नाइबर्स के पास गए, नाइबर्स से पूछा मैंने, और टेंस टू 0 में मैंने fx लिया। अब मैं यहां से दो चीजों पे चेक करना चाह रहा हूं, एक सर मैं 0 माइनस पे चेक करना चाह रहा हूं और एक मैं 0 प्लस पे चेक करना चाह रहा हूं। अगर मैं 0 माइनस और 0 प्लस पे चेक करूंगा तो मैं बच्चे यहां पे मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू नहीं ले रहा है, x इज इक्वल टू 0 प्लस पे देखना बहुत ध्यान से, 0 प्लस पे देखोगे तो ये यहां पे वैल्यू ले रहा है, 0 माइनस पे देखोगे तो ले रहा है, 0 प्लस पे देखोगे तो ले रहा है, बहुत छोटी जितना पास ले सकते हो वो यहां पे सर वैल्यू ले रहा है। अब वैल्यू मिल रही है, अब 0 नहीं, आप यहां से देखोगे इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू ये मिल रही है, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू ये मिल रही है। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, है ना, मैं फिर से दिखा रहा हूं कि अगर मुझे लिमिट डिफाइन करनी है सर तो मैं लिमिट के लिए क्लियरली ये चीज जानता हूं, क्या जानता हूं कि सर अगर मैं 0 माइनस और 0 प्लस की बात करूं, देखो 0 माइनस, 0 माइनस पे ये वाली वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, ये तो ये माइनस ऑफ 0.000000 जितना आप ले पाओ, है ना, 1 ले लो यहां से, और अगर प्लस की बात करेंगे तो प्लस में मुझे ये मिल रही है और ये प्लस ऑफ 0.000001 मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि सर 0 माइनस और 0 प्लस पे देखना है, और जो 0 माइनस पे है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 0 प्लस पे है वो सर हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। मैं गारंटी देता हूं कि आप लिमिट एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना, उसके बाद बताना कि हाँ सर मुझे कुछ लिमिट नहीं, कैलकुलस की बात करो, है ना, पूरे कैलकुलस की, बट उसके लिए आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। अब मैंने बोला कि सर ठीक है, इतनी बात तो मुझे यहां से आपने समझा दी और मुझे समझ में आ गई, अब क्या कहना चाह रहे हो, अब सर मैं यहां से अगर x लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा 0 माइनस, तो मैं बोल सकता हूं कि सर अप्रोक्सीमेटली तो 0 ही आ रहा है ना, यस अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है यहां पे, अप्रोक्सीमेटली सर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, और अगर अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है तो हम यहां से लिख देते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये बेटा हमारा यहां से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने बोला कि यस हमारा फंक्शन जो है एट 0, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एट 0 एग्जिस्ट, फंक्शन एट 0 नॉट डिफाइंड बट लिमिट एट 0 एग्जिस्ट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, क्या ये हमें यहां से समझ में आया, मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और ये आया x2 / x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, 0 के पास जा रहे, 0 के पास जाने, 0 पे नहीं जा रहे, 0 पे नहीं जा रहे, लड़के के पास जा रहे, उसके आसपास के लोगों से पता कर रहे, लड़के के पास नहीं जा रहे क्योंकि उसी के बारे में तो पता करना है। आपका डाउट मैं बिल्कुल बताऊंगा, फंक्शन नहीं आता है तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हां राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बेटा LHL जो है इसको आप राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, है ना, सॉरी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हां ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मैं उल्टा लिख जाता हूं यहां पे, ये बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है,
लेफ्ट हैंड लिमिट है, इतना तो पता होगा सबको, है ना, इतना तो पता होगा, इतना मैं जानता हूं। और ये राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट है। मैं अभी आपको सबके स्क्रीनशॉट दे दूंगा, किसी को नोट करना है तो बता देना कि सर मुझे नोट करना है ना। यहां से तो मैंने इसकी जस्ट जो वैल्यू ली वो हमें यहां से पता चली कि जीरो जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है, हमारे यहां से जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो इज द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जीरो प्लस पे बात कर सकते हैं, जीरो माइनस पे बात कर सकते हैं, एग्जैक्टली जीरो पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लिमिट और फंक्शन में डिफरेंस देखो, ये चीज आएगा, मुझे पता है कि ये चीज अभी बीच बीच में आएगा, जब भी जब जब हम लिमिट और फंक्शन की बात करेंगे, थोड़ा सा फंक्शन का बेसिक कहीं ना कहीं से वीक रहता है। तो इस संडे को मुझे टाइम देना, इस संडे को मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा आपको, है ना, फंक्शन में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन इतना बताऊंगा जितना आपका कैलकुलस में यूज होता है, ठीक है। तो इस संडे को आप लोग मुझे टाइम दे देना, और क्लास का टाइमिंग डेली 4 PM क्लास आपकी चलने वाली है, डेली के डेली 4 PM आपकी क्लास चलने वाली है। और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड फंक्शन, अरे फंक्शन मतलब देखो सुनो, मैं फंक्शन मतलब मैं, फंक्शन मतलब मैं, लिमिट मतलब मेरे आसपास, लिमिट मतलब मेरे आसपास। मुझे कोई बंदा जस्ट बोल रहा है कि एक बात बताओ, कोई डायरेक्टली मुझसे पूछा है तुम्हारा नेचर कैसा है, अभी मैं थोड़ा ना बताऊंगा, तुमने मुझे एकदम से बोला कि मैं तुमको एक थप्पड़, कोई बंदा एकदम से मैं तुमको एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम कैसा बिहेव करोगे, मैं बोलूंगा मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता उस जगह पे, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे मैं तुमको जवाब दे दूंगा तुरंत, चाहे भले मैं तुमको ना मार पाऊं, अरे मैं थोड़ा सा वीक पड़ जाऊं और मुझे देखो कोई बड़ा सा आदमी आया, भाई मैं तुमको एक थप्पड़ मारूं तो तुम क्या करो, मैं बोलूं मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे ना तो तुमको जवाब दूंगा। फिर वो बंदा मेरे आसपास के दोस्तों से पूछेगा, भाई ये कैसा है, इसको अगर मारेंगे तो क्या झेल जाएगा, कोई वापस तो नहीं करेगा, है ना। तो दैट इज लिमिट, दैट इज लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, दैट इज लिमिट। हाँ, मैथमेटिक्स कब तक कंप्लीट होगा, मुझे इसमें अप्रोक्सीमेटली 26 लेक्चर लगेंगे पूरा का पूरा कैलकुलस फिनिश करने में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 26 लेक्चर। तो ये चीज समझ पाए नहीं, ये चीज समझ पाए कि ना, फंक्शन का मतलब मेरी एग्जैक्ट जीरो पे बात कर रहा है, लिमिटिंग का मतलब अप्रोक्स पे बात कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेटा हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो केवल इसी पे बात कर रहे थे, और यहां से हमने जस्ट डिफाइन करना शुरू किया, और आई होप कि मतलब ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये तो था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। अभी भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए तब भी हम अभी कभी नहीं बोलते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान रखना। अभी तो मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है, अभी मैंने जस्ट लिख दिया। अब थोड़ा सा आज का जो बेसिक टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली एट एक ही बात कर रहा है, ये बहुत जरूरी है आपके यहां के लिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, हम यहां से जस्ट बेटा x is equal to a की बात कर रहे थे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे थे, हम यहां पे एग्जैक्ट की बात कर रहे थे कि हम a पे ही खड़े। मैं अभी अपने अपनी बात कर रहा था, है ना, मैं अभी बात कर रहा था कि मैं उसके घर में अगर चला गया तो वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, जाए मतलब गर्ल्स इतने ज्यादा बेशरम नहीं होते हैं, बॉयज ज्यादा बेशरम होते हैं। तो हमने बोला कि चलो हम अगर उसके घर चले गए तो वो क्या सोचेगी, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं उसके घर के आसपास घूमता रहा तो वो क्या सोचेगी, देख लेगी तो कुछ सोचेगी, नहीं देखेगी तो कुछ नहीं सोचेगी, समझ पा रहे। तो हम यहां पर जस्ट बात करें, जब एक्स इज इक्वल टू की बात करेगा तो वो यहां से एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू ए की बात कर रहा है, और x टेंस टू a की जब बात करेगा इसका मतलब x नॉट इक्वल टू a है, x a नहीं है, x a नहीं है, a के अलावा कुछ भी है, इधर से उधर सब कुछ हो सकता है, मतलब हम उसके घर में एंट्री नहीं किए, ठीक है। फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है जबकि लिमिट अप्रोक्स, यस बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, समझ गए, हाँ पक्का समझ गए ना सारे के सारे, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हम यहां से बेटा इसकी बात करते हैं तो इसी से हमें पता चलता है कि अब ना ऐसे काम चलेगा नहीं। तो मतलब हम यहां से जस्ट बात करते हैं तो x tends to a plus की बात करते हैं और x tends to a minus की बात करते हैं, पड़ोसियों से कांटेक्ट मारते हैं, है ना। जब पड़ोसियों से कांटेक्ट करते हैं तो a plus मतलब a plus h की बात करते हैं और a minus h की बात करते हैं। h का इफेक्ट negligible है, वो पड़ोसियों की बात नहीं सुनते, h का इफेक्ट जो है ना वो negligible है, वो पड़ोसियों की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, है ना। तो हमने बोला कि H का इफेक्ट निगलिजिबल है, निगलिजिबल मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो,
है ना, बस मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई कुछ हो पाएगा क्या, है ना, मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रहा हूं कि कुछ हो पाएगा क्या, लेकिन तुम्हारा इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। अल्टीमेटली काम तो मुझे ही करना है ना, कि मैं वहां पर डिफाइंड रहूंगा, मैं या डिफाइंड नहीं रहूंगा, मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मेरा फंक्शन डिफाइंड और लिमिट एग्जिस्ट, ये दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, मेरा फंक्शन डिफाइंड और लिमिट एग्जिस्ट, ये दोनों के दोनों। बेटा आपको चीजें समझ में तो आ रही ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, पहले तो मुझे ये चीज बता देना कि मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में तो आ रहा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखा नहीं पाऊंगा, है ना, मैथमेटिक्स इसी का है, मैथमेटिक्स इसी का है। हाँ अमित का है, x इज इक्वल टू a, फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू a, देन लिमिट। हाँ अभी आ रहा है बेटा, अभी आपके अमित आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, है ना, अभी आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने एलजेब्रा में मजा किया ना वैसे ही मजा आप इसमें करेंगे, और ये मजा चलता रहेगा, इसके बाद अभी बहुत सारे धुरंधर लोग आने वाले हैं पढ़ाने वाले, तो आप मैथ को एकदम एंजॉय करोगे नेक्स्ट लेवल पे। 13 मतलब 13, 13 मतलब 13 मार्क्स, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं। हाँ अब मेरी बात सुनो, तो हमने बोला कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो x जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है, मतलब मैं यहां से जस्ट ये लिख सकता हूं कि x जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है, सर इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम अपनी तसल्ली के लिए उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मैंने यहां से जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहीं पे भी बात कर देता, किसी भी फंक्शन की यहां पे बात कर देता कि सर हमारा कोई फंक्शन x टेंस टू 3 की बात कर रहा है, तो हम किस पे चेक करते, हम यहां से 3 प्लस h पे चेक करते, हम यहां से 3 माइनस h पे चेक करते, ठीक है, 3 प्लस h को हम 3 प्लस से शो करते हैं और 3 माइनस को हम यहां से 3 माइनस से, 3 प्लस का मतलब 3.00001 पे बात करेंगे, 3 माइनस का मतलब 2.999999999 पे बात करेंगे, ठीक है। हां यस, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा फ्रीक्वेंसी मैच करने में, नो डाउट, है ना, कौन से नोट करना है मैं, अच्छा नोट करने के लिए अभी 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चंस पे बात करेंगे ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे बात करेंगे, आप क्वेश्चंस को एंजॉय करिएगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं लिमिटिंग का एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, है ना, अगर आप समझ पाए। मैंने बोला कि भाई अभी कार में कभी देखा हो, कभी देखा हो कि मूवीज में कार रेसिंग होती, एक हीरो खड़ा होता है, एक विलन खड़ा होता है, और ये ना कार को लड़ाने के मूड में होते हैं, अगर आपने देखा हो तो ये दोनों के दोनों कार को ऐसे लड़ाने के मूड में होते हैं, ठीक है, ये भी यहां से ऐसे खड़ा हुआ है हीरो, और ये भी विलन खड़ा हुआ है, ठीक है, जब दोनों के दोनों यहां से, अभी ग्राफिकली आने दो ना, ग्राफिकली आने दो, ठीक है, सुनो सुनो, अब हमने बोला कि दोनों के दोनों लड़ने के मूड में होते एकदम से खतरनाक तरीके से, ये एकदम से एक्सीलेटर में पैर रखे हुए कर रहा है, ये भी कर रहा है ना, ये भी कर रहा है, लेकिन ये यहां पे आके आपने एक, मैं महाभारत देखता हूं ना, महाभारत हासा महाभारत जो एक बार अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया था, आप लोगों ने कभी देखा हो तो मैं देखना नहीं, तो इसकी जस्ट बात इसको सुनो, कार को है ना, ब्रह्मशिर अस्त्र के बारे में सर पता नहीं कहां कहां पे आप घुस जाते हो, इधर देखो सुनो, तो ये क्या है, ये कार इधर जाने की कोशिश कर रही है, ये कार इधर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दैट इज लिमिट, है ना, दैट इज लिमिट, इस पॉइंट पे कभी भी टच नहीं कर रहे हैं, ये इनकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये इनकी लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो लिमिट को आप बस फील कर लीजिएगा कि लिमिट है क्या, ठीक है। हाँ वो मूवी सीन वाला जस्ट फॉर यस यस, आज से जो लोग भी हैं वो अभी से फॉलो करें एलजेब्रा का, मैं जैसे जैसे, हाँ अश्वत्थामा वाला देखा है, हाँ देखा होगा डेफिनेट, हाँ अमरीश पुरी वाला देखा, अभी आजकल ऐसा चल रहा बाइक वाले जो चलते हैं वो भी ऐसे करते हैं, तो वो उनको बताना तुम ससुरे लिमिट यूज कर रहे हो, हम ही तो करते हैं सब, इंजीनियर से आप, इंजीनियर से कौन पंगा लेगा, है ना, कहो फिजिक्स थोड़ा ना फेल कर दोगे, तुम लिमिट यूज कर रहे हो, तुम लिमिट यूज कर रहे हो, और हमको समझा रहे हो तुम क्या कर रहे हो मूवी में, है ना, तो अगर मूवी देखने जाएगा ना तो टेक्निकल चीजों को खोजा करोगे, उन्होंने टेक्निकल का क्या, फिजिक्स को क्या गड़बड़ किया है ना, और फिजिक्स जिसको आती है इसका मतलब उसको मैथमेटिक्स आती है, ये ध्यान रखना, है ना, फिजिक्स अभी आएगी। चलो यस, तो हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे थे, हम यहां से जस्ट बात कर रहे थे कि सर ये जस्ट टच करेगा, तो ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू। मैं आपको एक और चीज फंक्शन के बारे में एक और चीज आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये दो कार आ रही है, ये दो कार आ रही है, आप देखिए यहां से जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, इधर से x घट रहा है तो y भी घट रहा है, ये वैल्यू देखिए यहां से, ये वैल्यू देखिए, ग्राफ जो है आपको अगर विजिबल ना हो तो बताना, ये ग्राफ जो है बच्चे वो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का ग्राफ है, ठीक है,
तो हम अभी लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये दोनों सूत्र आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं स्पीड एकदम से, हाँ क्रैश होने से, क्रैश जस्ट होने से पहले हम उसको लिमिट बोलेंगे। ये दो यहां से ऐसे ऐसे आ रहे हैं और देखो यहां पे आके बिल्कुल जस्ट 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 ऐसे करके ये लिमिटिंग वैल्यू देके चले यहां से वापस। ठीक है, उड़ा देते हैं फिजिक्स को। यस चलो, कम से कम मतलब सबको आइडिया रहता है। यस तो देखिए यहां से अगर आप इसको जस्ट देख सकते हैं तो बहुत क्लियरली, अब देखो यहां से आप किसी भी वैल्यू में बात करोगे, ये इसको मैंने यहां पकड़ लिया, इसको यहां पकड़ लिया तो इसको मैंने यहां पकड़ा, इसको मैंने यहां पकड़ा तो इसको मैंने यहां पकड़ लिया, अगर मैं इसको यहां पकड़ना चाहूंगा तो इसको मैं यहां पकड़ूंगा, ये देखो यहां पे मैच कर जाएगा आपके। ठीक है, आप जैसे जैसे देखोगे कि इधर से x बढ़ रहा है, इधर से x बढ़ रहा है तो इधर से बेटा आपका y बढ़ रहा है। इधर से देखोगे अगर कि इधर से x घट रहा है, आप यहां से बोलोगे सर x घट रहा है तो इसका मतलब इधर से सर y भी घट रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, अगर आप यहां से जस्ट बोलोगे कि सर ऐसा अगर है तो ये वाला यहां से ये भी घट रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे आप तो हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये उसने यहां से देखो हमेशा सर्कल दिखाता है, सर्कल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ग्राफ में मजा आ गया। अच्छा ठीक है, इलास्टिक कोलिशन करवा देंगे हम, तो मतलब इंजीनियर्स हैं तो हम कुछ भी करवा देंगे। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि हम सब दोनों साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, जो इसके इस साइड की बात करेगा इसको हम सर लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानेंगे, जो इसके इस साइड की बात करेगा उसको हम राइट हैंड लिमिट के नाम से जानेंगे। आप वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, जैसे जैसे वैल्यूज डालते जाएंगे वैसे वैसे है ना, कुछ नहीं ऐसा मत करो है ना, है ना। तो आप इसको जस्ट देखेंगे और देखने के बाद बस कंटिन्यूअसली देखेंगे, बस हमारा लिमिट जा रहा है, कोई भी पॉइंट देखो, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो। अगर वो ये फंक्शन दे रहा, अगर यहां देता तो हम इधर की तरफ लड़ते, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, यस 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 यस। तो बेटा ये हमें यहां से जस्ट मिलता है कि बोथ साइड लिमिट अगर मुझे चेक करनी है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों की लिमिट्स को चेक करेंगे, एंड दैट्स इट। ये हमारा काम है अभी इसको समझने का। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है वो आपको एकदम से क्लियर होगा, जितने भी लोग हैं सब लोगों को ये वाला पार्ट एकदम से क्लियर होगा। यस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई वॉन्ट कि मतलब आप ईच एंड एवरी पीपल जो भी लोग हैं वो पूरा का पूरा इसको इंजॉय करें, कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है ना। और एक एक चीज क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए ना, मैथमेटिक्स पे अगर लिमिट का क्वेश्चन देखो ना, लिमिट इतनी आसान है उसको घूर दो ना तो बोल दे कि भैया लिमिट ही तो हूं, एग्जैक्ट फंक्शन थोड़ा ना हूं, लिमिट इतनी डरनी चाहिए तुमसे कि उसको घूर दो ना आसपास, भैया तुम उससे निपटो जाके, समझो ना, उसके घर जाओ ना, तुम पड़ोसी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो लिमिट कुछ नहीं बेटा, पड़ोसी हूं। ठीक है, यस चलो यहां से चलो बच्चे। तो हम यहां से जस्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बोला कि ठीक है सर इतनी बात मुझे क्लियर है, अब मैं इस फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूं, कितने लोग मुझे इस फंक्शन की वैल्यू, देखो यहां पे जैसे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं लाइन ऐसे खींच के, ये दिस इज द लाइन है ना, ये लाइन है और ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है। तो कितने लोग मुझे इस बात को बता पा रहे हैं कि अगर मैं x इज इक्वल टू वन पे बात करूंगा, फंक्शन वन की बात करूंगा ना, तो x इज इक्वल टू वन पे हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कितना आएगा, कोई बच्चा मुझे यहां से बता सकता है कि x इज इक्वल टू वन पे, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, बता देंगे x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्या मैं बोल सकता हूं, डेफिनेटली बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारा ईच एंड एवरी वन पे, अगर मैं यहां से जस्ट फंक्शन लिखना चाहूं तो हर जगह पे इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं सर, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो फंक्शन इज एक्स प्लस वन। तो हर पॉइंट पे जो फंक्शन है बच्चे, हम यहां से बोलेंगे कि x प्लस वन है x जब तक आपका नॉट इक्वल टू वन है, जैसे x आपका यहां से इक्वल टू वन हो गया तो आप यहां से बोल दोगे फंक्शन नॉट डिफाइंड, ऐसे आपको यहां से fx जो है वो लिखा हुआ मिला करेगा। ठीक है, जब मिला करेगा तो आप उसको निपट लोगे, तब आप उसको यहां से निपट लोगे, है ना। चलो इधर देखो, अब हम यहां से जस्ट थोड़ा सा बात करें कि सर मुझे लिमिट पे बात करनी है, अगर मुझे इसकी लिमिट पे बात करनी है तो सर मैं यहां से लिमिट चेक कर ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 की बात कर रहा है,
और यहां से बच्चे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई आपका एक्स प्लस वन की बात कर रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू वन की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन और हमसे यहां से जस्ट इसकी बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम सब निकाल लेंगे यहां से कितना आएगा। अगर आप यहां से एक्स जस्ट बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बीच में, तो आप क्लियरली बोलेंगे सर हम 1 प्लस की बात कर लेंगे और 1 माइनस की बात कर लेंगे, 1 प्लस इज राइट हैंड और 1 माइनस इज लेफ्ट हैंड। तो आप यहां से जब जब यहां से 1 प्लस डालोगे 1 माइनस डालोगे, मतलब बहुत बहुत मिनिमम वैल्यूज जो भी आ रहे हैं, तो आपको क्लियरली यहां से पता चल जाएगा कि सर लिमिट डिफाइंड, ये रहा ना फंक्शन, ये रहा ना फंक्शन, तो लिमिट आपकी यहां से जस्ट निकल आएगी। चलो अभी मैं इस पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वन बाई वन चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आई होप कि मतलब ये सबको क्लियर होगा, जितने भी लोग हैं सबको क्लियर है। आप चाहो तो नोट वोट करने की जरूरत नहीं, एक और चीज बता दो मुझे, है ना, आप चाहो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर सकते हैं कि ऐसा ही पीपीटी मैं आपको दे देता हूं सीधा सीधा, ऐसा ही पीपीटी मैं आपको दे देता हूं, वो पीपीटी अपने पास रखना और क्वेश्चन लगाना। मैथमेटिक्स में क्या ही थ्योरी के यार क्वेश्चन वो बनाओगे, क्लास नोट्स थ्योरी के कई क्लास नोट्स बनाने हैं, तो इट्स बेटर कि हम यहां से क्या करें कि मैं आपको ये पीपीटी ऐसे दे दूं और बाकी का काम आप अपने आप कर लें, बाकी का काम आप अपने आप कर लें, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन जितना लगा पाओ। क्लियर? अच्छा सुनो, कोई बच्चा बोला नॉट डिफाइंड समझ में नहीं आया, नॉट डिफाइंड का मतलब बेटा हम यहां पर देखो ना, एक्स इज इक्वल टू जब वन रख देंगे, जब हम x is equal to 1 रख देंगे तब हमारा इशू आएगा, केवल तब हम यहां से इशू आएगा कि हमने सर 1 माइनस 1 आ गया यहां से 1 माइनस 1, वहां पे केवल नॉट डिफाइंड आ रहा, बाकी तो हमें यहां पे कोई इशू है नहीं, बाकी तो हमें किसी भी पॉइंट पे इशू है नहीं। जल्दी से बताएं मुझे, ठीक है, तो हम सर लिमिट की बात करेंगे यहां से, फिर हम लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, फंक्शन तो डिफाइंड नहीं, फंक्शन तो डिफाइंड। हाँ मैं पीडीएफ बना दूंगा सिंपल, ये आपके पास पीपीटी है इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, और पीडीएफ बनाने के बाद मैं देखता हूँ, लेकिन पीडीएफ बनेगा कैसे ये एक बहुत बड़ा इशू है। अभी आज स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मुझे पीडीएफ बनाना ना आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड टाइप का हूँ, मुझे नहीं आता ये सब, अगर ना बनाना आया तो ऐसा ना हो कि कल के लिए सुना रहे है ना, कल के लिए मुझे सुना रहे सर ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आपको अब आज बना लेना, आज स्क्रीनशॉट ले लेना, बाई चांस अगर नहीं होता है तो कल से हम लोग, कल मैं सीख लूंगा इसको, ठीक है। हाँ बुक कुछ नहीं, आप क्वेश्चंस करिए, बस क्वेश्चंस करिए, बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा हम लोग यहां से अभी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा जस्ट कोई भी फंक्शन हो, ऐसा भी कोई फंक्शन आ सकता है आपके पास पैराबोलिक फंक्शन, उसमें भी सेम चीजें होंगी, बट मैं अब इस पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, ये आप समझ गए यहां से, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये इमेज चल नहीं रही है, नहीं तो ये आपको क्लियर हो जाता है ना, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो एक्स वाई पे आपका फंक्शन है, सो डज नॉट, है ना, पता चला कल दे रहे ससुरे ने बोला था ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं, सेम फंक्शन है, तो मैंने इसकी लिमिट चेक करना शुरू की, मुझे पता है कि अगर मैं वन पे बात करूंगा तो यहां पे बेटा नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही वन पे कुछ नहीं लिखा, तो मैंने लिमिट चेक करना शुरू की, मैंने बोला एफ इज इक्वल टू 0.9 डालिए, एफ इज इक्वल टू जब आप 0.9 डालोगे वैल्यू आएगी 1.9, आप यहां से 0.99 डालोगे वैल्यू आएगी आपके पास 1.99, फंक्शन की वैल्यू बता रहा हूं ना, 0.999 पे आपकी वैल्यू ये आ रही है, सिमिलर आपके पास ये जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, आप क्लियरली इसको देख के और समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा ना हो कि नहीं नहीं सर हमें नहीं आ रहा, कोई भी चीज ऐसा करने की जरूरत नहीं। अब आप यहां से जस्ट बात करोगे सर वन पे बात कर रहे थे, कहां पे बात कर रहे थे सर, हमारा यहां से सर वन पे बात कर रहे थे, वन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वन पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, तो आप यहां से इसको जस्ट कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं, लेट सपोज ये माइनस वन है, ये जीरो है, और यहाँ पे अगर वन है तो सर हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा गोला बना के चल देंगे जैसा हमारे यहाँ से था। हाँ मैथ्स का टेलीग्राम लिंक है ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, परेशान मत होइए, पहले अभी चलने तो दीजिए, तो ये सब तो चलता रहता सर, ये सब नॉर्मल है कि हमें दो चीजें बात करनी, फंक्शन डिफाइंड की नॉट डिफाइंड की बात करते, लिमिट की एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की, डज नॉट एग्जिस्ट की बात करते, और जब तक हम लिमिट को यहां से जस्ट बोलते नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए और ये वैल्यू अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है तो आप समझ जाना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर बाई चांस ये बोल देता कि ये वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू आ जा रही है
तो इनफाइनाइट वैल्यू के केस में आप बोल देते कि सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब तक इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है तब तक कोई इशू, तब तक आपको दिक्कत है। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों यहां से दिख रहा है कि सर लेट सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आ रही है, ये फाइनाइट है, अब आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहां से अब आप बोलोगे कि यहां से लिमिट जो है दो आएगा ना, फंक्शन को रिड्यूस, हाँ रिड्यूस करके बात करेगा, रिड्यूस करके बात करेगा, हम टोटल फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहां से टोटल फंक्शन इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी, हाँ ये देखो ना, आपको यहां से अगर फंक्शन की जस्ट बात करोगे तो ये यहां पे वैल्यू दिखेगी ना, आप x = 1 पे ये दिख तो रहा है 2, ठीक है, ये दिख तो रहा है 2 यहां पे, ये 2। अब हम लिमिट चेक करेंगे ना इसकी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। हर्ष गांधी का कहना है बट x = 1 पे तो 2, अच्छा इस फंक्शन को रिड्यूस करने के बाद, हाँ ठीक है, x ये लो यहां से ना, ये लिखा तो हुआ है, अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है, अब हमें यहां से क्या करना है, इसकी लिमिट चेक करनी है। सर हमारे पास x square is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 है, हम रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास x plus 1 आएगी, वैल्यू हमारी x plus 1 आएगी हर जगह पे, x minus 1 पे जहां पे x equal to 1 है ना वहां पे प्रॉब्लम है, बस वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आते हैं, परेशान मत होइए, अभी बहुत सारे मिलेंगे, मैं इसको फिर से उठा लूंगा, फिर से उठा लूंगा, प्लीज थोड़ा सा देखते चलिए, फिर उसके बाद हम लोग यहां से जस्ट आगे बात करते हैं। चलो यहां से जरा इस पे बात करें, जरा एक इसको देखिए, आप यहां से जरा इसको देखिए, ये देख लिया होगा मेरे ख्याल से, ये आपको याद रहना चाहिए सबको। अब जरा यहां से बात करिए, जरा यहां से बात करिए, मुझे यहां से जस्ट बताइए कि अगर मैं x = 3 पे बात करना चाहूं, परेशान है सर, क्वेश्चन कहां से करें, फिर जब बुक नहीं है तो फिर प्लीज रिप्लाई। अच्छा बुक नहीं है तो देखो दो चीजें हैं, एक तो मतलब आप प्रीवियस ईयर के जितनी भी ब्रांचेस के क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बस इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है कि आप जाके कोई बुक लगा, इतना टाइम नहीं है, है ना, अभी यहां से इतना टाइम नहीं है कि हम इस पर बात करेंगे। तो पहले बच्चे इसको देखो, अब हम यहां से क्या कह रहे हैं, मैं यहां पे ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, मुझे जस्ट इस फंक्शन की कोई वैल्यू बता सकता है, इस फंक्शन को अगर मैं x = 3 पे बेटा बात करना चाहूं, जल्दी से मुझे बताना, मैं x = 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, कोई बच्चा मुझे यहां से x = 3 पे बात करना चाह रहा है, लेट सपोज हमारा x = 3 है, x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम यहां से जस्ट देखें तो हमारे पास f x, ठीक है, ये फंक्शन है y is equal to fx का, मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं कि fx की वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास, 2 आ रही है, 2 आ रही है, कितने पॉइंट पे, हम यहां से बोलेंगे सर x is equal to 3 पे, क्या सही है, क्या सही है, मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं कि x is equal to यहां पे अगर मैं 3 पे बात करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू सर 2 आ रही है, एकदम से दिख जाएगा। अगला पॉइंट मैं यहीं से बात करना चाह रहा हूं, मैं लिमिट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि लिमिट x टेंस टू जस्ट बात कर रहा है 3, x टेंस टू 3 की बात कर रहा है और ये बेटा मेरे पास यहां से फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा है, क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये मुझे यहां से देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहा हूं, मैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, x is equal to बच्चे राइट हैंड लिमिट मतलब आप 3 प्लस पे चेक कर रहे हैं ना, और x is equal to आप यहां से किस पे बात कर रहे हैं, 3 माइनस पे, अगर 3 प्लस पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर आ जाएंगे, वैल्यू कितनी चली जा रही है, 3 चली जा रही है, 3 माइनस पे बात करेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं इधर आ जाएंगे, वैल्यू कितनी चली जाएगी, 2 चली जाएगी अप्रोक्सीमेटली, तो 3 प्लस पे जो वैल्यू आ रही है वो बेटा 3 आ रही है, 3 माइनस में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, नॉट डिफाइंड नहीं, फंक्शन के बारे में नॉट डिफाइंड लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, लिमिट के बारे में डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं। तो हमने यहां से बोला कि हमारा फंक्शन तो डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन जो है वो सर हमारा डिफाइंड है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर 2 आ रही है, लेकिन अगर हम यहां से जस्ट बात करें लिमिट, तो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 3 पे आपका फंक्शन
लिमिट टू एग्जिस्ट, यस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट सबको क्लियर होगा, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो कि मतलब क्या होगा कैसे। फंक्शन तो डिफाइन, देखो देखो यहाँ पे वैल्यू दे रहा ना, आपको यहां से वैल्यू दे रहा ना कितनी वैल्यू आ रही है, क्लियरली क्लियर। कहीं पे भी अगर आपको यहां से जस्ट देखना हो, जैसे पीछे वाले की बात कर रहे थे है ना, तो हम यहां पे जस्ट कहां गया हमारे पास, ये आ गया है ना, हमने यहां से जस्ट बोला कि सर इस पे रख रहे हैं, तो ये आ रहा फंक्शन। अब लिमिट चेक करनी है यहां से, लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है ना फंक्शन की वैल्यू। पीछे जस्ट बात कर लेते हैं और कहां गया, और कोई सा भी फंक्शन हो तो हम फंक्शन को जस्ट देखेंगे डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जीरो पे हमारा डिफाइंड नहीं था, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इस पे बताएगा कोई, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू बताइए कितनी होगी जल्दी से। फिर से रिपीट करें, सुनो, हम बेटा यहां से इस तीन पे बात कर रहे थे, देखो यहां से ध्यान से, हम यहां से तीन पे बात कर रहे थे, तीन पे हम यहां पे खड़े थे इस टाइप से, ठीक है, हम यहां पे खड़े थे। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि सर ये बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो फंक्शन हमारा यहां से x इज इक्वल टू, ये तो लिखना y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता, आई एम सॉरी रुक जाइए, y इज इक्वल टू हम यहां से क्या लिखते हैं fx, देखो y इज इक्वल टू बच्चे हम यहां से क्या लिखते हैं fx, मैंने बोला x इज इक्वल टू मुझे 3 देखना है, x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी है, खत्म, x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी है 3, यहां से 2 खत्म। तो हमने यहां से बोला कि ये वैल्यू आ गई 2, और सर अगर हम यहां से लिमिट चेक करना चाहें तो सर लिमिट यहां पे 3 पे चेक कर रहा है, तो 3 माइनस 3 प्लस, ये डिफाइन नहीं कर रहा, देखो लीव कर रहा है, लीव कर रहा है यहां से, तो हमने सर्कल दिखाया, हमने सॉलिड सर्कल नहीं दिखाया। देखो यहां से जैसे इसमें इसमें हमसे जस्ट बोले कि ये बताओ x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, जल्दी से बताएं, x इज इक्वल टू 4 पे, मैं आता हूं अभी वापस आपके क्वेश्चन पे ना, x इज इक्वल टू 4 पे सर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 है। Yes. अभी मुझे बताएं कि सर लिमिट हमारी यहां से एग्जिस्ट कर रही है क्या, x इज इक्वल टू 4 पे क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो यहां पे चेक करो, एंड लिमिट अगर हम यहां से जस्ट बात करें x टेंस टू 4 है ना, और हम यहां से बात करें बेटा fx की, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप यहां से LHL और RHL दोनों चीजें चेक करेंगे, RHL चेक कर लीजिए, LHL चेक कर लीजिए, बच्चे RHL चेक करेंगे तो RHL इसके जस्ट बाद आएगा ना, यही तो लिमिट चेक कर रहे हैं ना, ये रहा, ये फंक्शन का इसने दिखा दिया प्रॉपर, ये आपको यहां से दिखा दिया यहां पे जस्ट, अब आप यहां से जस्ट चेक करें तो इसके जस्ट इस साइड आएंगे, जस्ट इस साइड आएंगे, दोनों साइड वैल्यू कितनी मिल रही है 5 मिल रही है, 5 मिल रही है। अभी मैं दोनों सारे क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली दिखाऊंगा है ना, अभी बस यहां से हाँ डिस्कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, ऑब्वियसली डिस्कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, डिस्कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो, अभी हम यहां से जस्ट बेटा बात करेंगे है ना, तो लिमिट हमारी यहां से, अरे डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, आप यहां से देखो ना बेटा, यहां पे और यहां पे यही तो है ना 4 पे, इस फंक्शन की वैल्यू देखो इसकी, ये इस फंक्शन की वैल्यू देखो, यहां से देखो जरा, यहां से कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आराम से सोचिए, फिर भी लगता है कि RHL नॉट इक्वल टू द फंक्शन। अच्छा अनुराग ने बोला है कि ऐसा सर इक्वल नहीं है, जबकि मुझे ये अनुराग एक बार जस्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सर उसने फंक्शन की तो ये वैल्यू यहां पे बता रखी है। अब मैं जरा इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि सर मुझे लिमिट देखनी है, मेरे बच्चे हम यहां पे 4 पे लिमिट देखना चाह रहे हैं, उसने गोला कहां पे बनाया है, यहां पे गोला कहां पे बनाया, यहां पे बनाया, अभी मैं डिस्कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, अब उसने गोला यहां पे बनाया तो इसके जस्ट इधर ही तो जाओगे, इसके जस्ट इधर जाओगे, ये आपका यहां से 4 माइनस है, ये यहां से 4 माइनस है, ये यहां से 4 प्लस है, कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, है ना। अब अगर 4 माइनस, हां 3 की तरफ से टेंस कराओ,
तीन की तरफ से टेंस तो फंक्शन तो यही है ना बेटा, यही तो है ना फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की वैल्यू हम यहां से जस्ट चेक कर रहे हैं, तो हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है ना, ये यहां से जस्ट इस पे जा रही लिमिट, लिमिट जा रही, एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात ही नहीं कर रहे। LHL is equal to 5 कैसे? देखो ना, नहीं आ रहा समझ में। बच्चे ने बोला है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इधर देख लीजिए दोबारा से। ये देखिए फंक्शन की वैल्यू हमारी यहां पे 4 है। क्या इतनी बात क्लियर है? फंक्शन की वैल्यू यहां पे 4 है, क्या ये बात आपको क्लियर है? कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। फंक्शन की वैल्यू 4 है, क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, गोला आपको एकदम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर बताता है। अगर ये यहां से जस्ट होल इस टाइप से दिखा देता तो आप बोल देते कि हाँ सर एग्जैक्ट इस पे जब हम रखेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। देखो यहां से जैसे हम इसके बारे में जस्ट बेटा बात कर रहे थे, है ना, यहां से जब हम बात कर रहे थे तो हमें क्लियरली ये फंक्शन यहां से गया और इसके बाद डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया, इसके बाद यहां से डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हम अभी डिस्कॉन्टिन्यूटी की तो बात कर ही नहीं रहे। हमने जैसे इसके बारे में देखा तो हमने बोला कि सर अगर 3 पे बात करेंगे तो सर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही यहां से, लेकिन जैसे हमने 3+ पे बात करना शुरू की तो फंक्शन हमारा एकदम से यहां पहुंच गया। तो हमने लिमिट चेक की कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप प्लीज एक बार मतलब जो भी चीजें हैं उनको क्लियर कर लेना। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अभी यहां पे हूं और मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यस, सॉलिड फंक्शन यहां से जस्ट बात करेगा तो एग्जैक्टली जब भी ये सॉलिड सर्कल की बात करेगा तो मतलब वो बोलेगा कि यहां पे अभी आपकी जो लिमिट है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो दिखा रहा है यहां पे। हॉलो सर्कल दिखाएगा तब आपको दिखाएगा कि हां वहां पे फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो मैंने यहां से क्या बोला कि अब मैं इस फंक्शन को जस्ट यहां से देखना चाह रहा हूं। सर देखो ये फंक्शन ऐसे तो गया है ना, समझना। अगर ये फंक्शन मेरे बच्चे ऐसे गया है तो मैं 4- पे जाना चाह रहा हूं। मैं अब देखना ये एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू है, ये वैल्यू एग्जैक्ट 4 पे है, ये एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू है। अब मैं 4- पे जैसे जाऊंगा तो 4- पे क्या ये ऐसे तो दिखेगा, और 4+ पे जब जाऊंगा तो 4+ पे ऐसे तो दिखेगा। बताइए अगर मैं 4- और 4+ पे जाऊंगा तो सर ये ऐसे ही तो दिखेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 5 के नियर जा रही है। खुश रही, इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मेरे बच्चे यहां से 5 के नियर जा रही है। इसकी भी वैल्यू जो है वो 5 के नियर जा रही है। क्या ये बात आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे तो भी बताइएगा, है ना। अभी हम ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल दोनों देखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे और एल्जेब्रिक मेथड भी देखेंगे। क्लियर? ठीक है। तो हमने बोला कि सर अगर आरएचएल पे बात करेंगे तो सर ये भी यहां पे देखो ये 4+ है, दिस इज 4+, दिस इज 4-, 4+ पे ये भी यहां पे 5 के अप्रोक्स दिख रहा है, ये भी यहां पे 5 के अप्रोक्स। सो सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही, दैट्स इट, फिनिश। यस, बस खत्म हो गया। LHL पे फंक्शन की वैल्यू 4 थी मेरे बच्चे, फंक्शन की वैल्यू 4 थी, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हमसे जस्ट बात करेगा तो फंक्शन, हमें कोई डाउट नहीं है, फंक्शन की वैल्यू हमारी 4 ही आएगी, ठीक है। फंक्शन वैल्यू हमारी यहां से 4 आएगी। F4 इज इक्वल टू, आप यहां से जस्ट बात करेंगे, F4 इज इक्वल टू आपको यहां से 4 मिल जाएगा, दैट इज ओके, x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको मैं क्वेश्चंस की तरफ ले जाना, अभी तो जस्ट समझा रहा था ऐसे, है ना, अभी जस्ट समझा रहा था, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अब वन बाय वन, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देखिए एक बार और इस क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। बच्चे समझना, है ना। अनुराग का कहना है, यस सर लिमिट्स आर इक्वल बट द वैल्यू एट डोमेन 4 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4, ठीक है। हाँ, माइनस फोर
4 माइनस पे 4 होना चाहिए ना 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 4 माइनस पे 4 नहीं होगा मेरे बच्चे, आप कंफ्यूज हो रहे हो। 4 माइनस पे फंक्शन 5 पे जा रहा है, फंक्शन 5 पे जा रहा है। अब प्लीज इसको देखो जरा, मेरे पास है ना लिमिट्स, आप यहां से जस्ट बात कर रहे हैं, ये बेटा हमारे पास हम x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, I'm sorry, ये 1 है, ये 1 है, ये टाइपिंग एरर है, ये 2 है और ये वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताना जरा, जल्दी से बताना मुझे, सबसे पहले एक चीज बताना कि f1 की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन जो है आपके फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू एक मिनट में बताना, आठ गलती से लिख गया था, ठीक है, 1 2 3 था। क्या मैं लिख सकता हूं कि f1 पे वैल्यू जो होगी वो सर ये होगी, ब्लैक सर्कल उसने दिखा दिया, कितनी आएगी बेटा 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन मैंने यहां से बोला कि सर f1 इज ओके, अब f1 पर लिमिट बताइए, हमने यहां से जस्ट बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 और हमसे यहां से fx की बात बताइए, मैं बोलूंगा कि सर RHL और NHL दो चीजें बता दीजिए, बस इसी में काम हो जाएगा। अगर हम RHL की बात करेंगे 1 पे तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास जा रहा है यार, ऑलमोस्ट 0, देखो RHL की बात करेंगे यहां से, RHL और यहां से NHL नहीं, RHL अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे बेटा, तो ये वाले पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है RHL हमारा ऑलमोस्ट 0 जा रहा है, कह रहा है राइट कि RHL ऑलमोस्ट 0, LHL कितना, LHL सर ये है यहां से, क्या इतनी बात समझ में आ रही सर, 3 जा रहा है, क्या 3 जा रहा है, बताएं जल्दी से, क्लियर। और अगर ये 3 और 0 जा रहा है तो सर हमने बोला कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL है ना, बहुत बहुत बेसिक से एकदम जीरो से चल रहा हूं, एकदम जीरो से, ठीक है। तो हमने यहां से बोला कि सर फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एट 1 पे, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डिफाइंड है बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। अगला पार्ट आपसे पूछना है x इज इक्वल टू 2 पे बता दीजिए, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, पहले मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट बता दें बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ना, इधर से जस्ट इधर चलोगे तो ये इसको टच कर जाएगा, जीरो कैसे, देखो सुनो आप, मैं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप लोगों के कमेंट ना पढ़ पा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपका डाउट रह जा रहा हो, और प्लीज अगर डाउट रह जा रहा हो तो हम क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे, अगर कहीं पे ऐसा रह रहा है तो प्लीज आप बुरा मत मानना कि नहीं सर मेरा डाउट नहीं ले रहा, मैं मतलब बहुत लोग एकदम से कमेंट कर रहे हैं इस वजह से शायद रह जाए मेरे बच्चे, बस मैंने एक चीज बोली है कि अब मेरे हाथ से मिटाने वाला ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, आप इस चीज को अगर फील कर पाओ तो प्लीज फील करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी अब आपको डार्क सर्कल दिखेगा तो फंक्शन आपका वहां पे जस्ट आप बोलेंगे डिफाइंड है, ठीक है, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहा है, डिस्कंटीन्यूअस नहीं है। अब आप यहां से जस्ट बोल रहे हैं, एक पे फंक्शन को ब्लैक डॉट दे रखा है, ये देखो एक पे फंक्शन को ब्लैक डॉट दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू वाई कितनी है 2, ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं, एक्चुअल मैं कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूं, है ना, अब मेरी बात सुनना, अब मैं एक से जस्ट आगे जाता हूं, जस्ट आगे 1 प्लस पे जा रहा हूं, तो एक से जस्ट आगे गए तो फंक्शन ये मिला ना, तो ये कितना है, ऑलमोस्ट 0 है, ये राइट हैंड लिमिट है ना, यही तो है ना बेटा राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना मिला, 1 प्लस पे मिला, बहुत प्यार से बता रहा हूं फिर से, RHL ये फंक्शन है बे, ये फंक्शन, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम LHL पे आते हैं, ये 1 माइनस है, 1 माइनस जैसे ही मैंने देखा, मैंने इसके नियरेस्ट पॉइंट लिया, और जब नियरेस्ट पॉइंट लिया, अब देखो इतना बड़ा सर्कल जो ब्लैक बना रखा है, वो बड़ा सर्कल नहीं, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के जस्ट नियर आए तो हम यहां पे खड़े हो गए आते, और यहां की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, ये आपका 1 माइनस आ गया, 3 आ गया, क्या समझ पाए, यस, LHL 2.99, हम LHL 2.99 कहां पे बात कर रहे हैं, देखो हम फंक्शन इस पे जस्ट देखेंगे ना, इस पे अरे 2 पॉइंट हम इस पे देखें, y देखेंगे चल गए ना बच्चे, y आप x को क्यों यहां से 2.99 कर रहे हो, क्लियर हुआ बेटा, ये देखा आपको, दिख पाया या नहीं दिख पाया, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए,
और अगर नहीं दिख पा रहा तो फिर मतलब एकदम से गड़बड़ हो जाएगा, दिखना चाहिए एकदम से, दिखना चाहिए सामने से, चमक जाना चाहिए एकदम से ऐसे करके। हाँ सर यही वाला था फंक्शन, क्लियर। अगला पॉइंट x is equal to 2 पे बच्चे बात कर लेते हैं, ये है x is equal to 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x is equal to 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आप ही बताओगे, आप एकदम से हीरो हो मेरे लिए, आप मेरे लिए एकदम से हीरो हो, मैच करा दो, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू कितनी है, कैन आई राइट इट इज 3, कैन आई राइट इट इज 3, लिख सकता हूं 3, यस 3। अगर x is equal to 2 पे मैं लिमिट चेक करना चाहूं, अगर x is equal to 2 पे मैं लिमिट चेक करना चाहूं तो 2 माइनस, ध्यान से देखना, 2 माइनस 2 प्लस, जरा सा चुन्नू सा इधर, चुन्नू सा इधर, दोनों सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली 3 वैल्यू चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 वैल्यू चला जाएगा। तो मैं अगर यहां से लिखना चाहूं लिमिट x टेंस टू 3 fx, अगर मैं लिमिट x टेंस टू 3 fx लिखना चाहूं मेरे बच्चे, तो मुझे क्लियर है इधर भी आओगे तब भी 3, उधर भी जाओगे तब भी 3। तो सर हमें यहां से LHL बता दो, हमें यहां से RHL बता दो, RHL बता दो, जल्दी से बताओ LHL हमारा कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, ये हमारा 2 माइनस पे है और ये हमारा 2 प्लस पे है, ये भी हमारे पास कितना आएगा 3, 2.2.9999 3.0001 इक्वल इक्वल। तो फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पॉइंट क्लियर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यस सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब कुछ इक्वल है, सब कुछ क्लियर है, डिफाइंड भी है। अब मुझे ना आपसे थोड़ा सा नीड है, मैं F4 पे बात करना चाह रहा हूं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप ही से बात करना चाह रहा हूं, x is equal to 4 पे, x is equal to 4 पे, x is equal to 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x is equal to 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो ये आपका ये सर्कल है, ये वाला आपका डार्क सर्कल है, तो आप क्लियरली समझ जाइए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 2 2 2, करेक्ट करेक्ट, बस ऐसे चीखना चाहिए आत्मा एकदम से, अंदर चिल्लानी चाहिए, हाँ भाई ये है खत्म। लिमिट बताइए, लिमिट बताइए, अगर मैं लिमिट x टेंस टू 4 कर दूं, फंक्शन की बात कर दूं, तो लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं बेटा, 4 माइनस पे बात कर रहा हूं, 4 प्लस पे बात कर रहा हूं, 4 माइनस पे, 4 माइनस पे आओगे तो इधर आ जाएगी और इधर वैल्यू 1 के बराबर पहुंच जाएगी, 1 आ जाएगा 4 माइनस पे, यस। RHL की बात करोगे, RHL आपके पास कितना पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा, करेक्ट है बेटा, यस। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट आपका यहां से 2, और सर अगर दोनों हैं तो हम यहां से बोलेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये यहां से क्या बोलेंगे, डस नॉट एग्जिस्ट, सॉरी ये एग्जिस्ट क्यों, डिफाइंड है, ये डिफाइंड है एंड दिस डस नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट हो गया सबका। अब मेरी दिल की इच्छा है कि आप यहां से F6 और बता दें, एक बार यहां से 6 और बता दें, x is equal to 6 पे, अब मैं खुद नहीं बताऊंगा, अब मैं जानना चाह रहा हूं F6 की वैल्यू कितनी है, है ना, और लिमिट x tends to यहां से 6 है, f आपके पास यहां से x है, आपसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछना चाह रहा हूं, आपसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछना चाह रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं बहुत आराम से, है ना, ये आपका काम रहेगा। x is equal to 6 पे आपका फंक्शन जो आ गया वो 1 आ गया, सबने बता दिया, अब लिमिट बताइए जल्दी से, अब जल्दी से लिमिट बताइए, जल्दी से लिमिट, यस 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 यस, लिमिट लिमिट बताइए, x is equal to 6 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट, दोनों दो दो आ रही है सर, दोनों दो दो आ रही है, तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है और ये एग्जिस्ट कर रहा है,
ये डिफाइंड है और ये एग्जिस्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है. चलो थोड़ा सा जस्ट इसकी तरफ आते हैं. अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस. बहुत ध्यान से जस्ट देखते जाइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है. अच्छा, पहला पॉइंट हमें यहां से जस्ट मिल गया. मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग यहां से बात कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. एक क्वेश्चन आपके पास है, यहां से देखना. एक क्वेश्चन आपके पास है, लिमिट x टेंस टू वन बेटा इस टाइप से दिया है, देखो यहां से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया गया है. एक क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंस टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. हाँ, सिक्स पे सॉलिड सर्कल है, लो ना तुम्हारे सामने आते हैं. सिक्स पे जो सॉलिड सर्कल है वो फंक्शन की वैल्यू बता रहा है. देखो अगर किसने बोला था अमित देखो, सिक्स पे जो सॉलिड सर्कल है ना वो फंक्शन की वैल्यू बता रहा. फंक्शन की वैल्यू कितनी है? वन है. देखो लिख दिया ना मैंने, यहां पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा था बट आप समझ जाइएगा, है ना. दोनों की लिमिट टू टू का. अरे ये फंक्शन देखो ना बेटा, यहां से मैच करा इधर भी वही. तो ये दोनों, ये तो लाइन सीधी चली गई ना टू की. ठीक. सारे ग्राफ क्लियर? अरे ग्राफ से एकदम मजा आ जाता है, एकदम मजा आएगा. लेकिन आपको ग्राफ एकदम से फील आ जाना चाहिए, उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन देखते बता दोगे. और इसकी प्रैक्टिस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, करने की आपकी, ठीक है. प्रैक्टिस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत आपकी और करने की आपकी. ये हो गया. दो पे फिर से बता दूं. दो पे बेटा देखो आदर्श राज, दो पे बच्चे ये पॉइंट जो है ना वो तीन का है, तो फंक्शन की वैल्यू तो नो डाउट आपका दो पे कहां गया, ये ना तीन आ जाएगा. दो के माइनस इधर, दो के प्लस इधर, बेटा ये अप्रोक्सीमेटली तीन ही तो आ रहा है. फील करिएगा, बाकी कुछ नहीं है ना, हम इंजीनियर्स हैं. तो सॉलिड क्या, सॉलिड को यूज किया ना, सॉलिड आपको फंक्शन की वैल्यू दे रहा है. देखो यहां से अमित सॉलिड आपको फंक्शन की वैल्यू दे रहा. फंक्शन की वैल्यू आपकी वन है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो सॉलिड आपको फंक्शन की वैल्यू दे रहा है. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंसेंगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लगता है. और आज ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लीजिए, ठीक है. बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के, फंक्शन पढ़ाऊंगा तो शायद आपको अगर पढ़ना होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा. बहुत मैथमेटिक्स मतलब समंदर है, कितना भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितना पढ़ना है, ठीक है. हाँ, अगर ग्राफ नहीं होता तो क्या करते, तो उसके लिए ग्राफ अभी बताऊंगा एलजेब्रा से, है ना. अगर ग्राफ नहीं होता तो एलजेब्रा से बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे. ये लो ना अगला क्वेश्चन, अब मेरी बात सुनो. अगला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो गया कि सर पहले तो इसका साइन देख लीजिए, जितने लोगों को लगता है मैथ हमको आती है ना, ये साइन बच्चे कुछ नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं. अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होना चाहिए, है ना. फंक्शन अनडिफाइंड वाले क्वेश्चन अभी दे रहे हैं आपको, क्यों परेशान हो रहा है. फंक्शन अनडिफाइंड वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए. अभी पहला जीरो वाला था वो अनडिफाइंड था, ठीक है. जीरो वाला था, वन पे अनडिफाइंड था, जीरो पे अनडिफाइंड था. रुको ना मैंने, हाँ अब है ना. यहां से जस्ट मेरी बात सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है पहले तो यहां से सुनो. जब आपको यहां से लेट सपोज 0.000000 कुछ भी आपको दे देता है, लेट सपोज ने यहां से 0.00001 दे दे, या आपको यहां से 0.9999 दे दे, मुझे बस एक चीज बता दीजिए, क्या इसमें कोई इंटीजर मिल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही तो बता रहा हूं, सुनो तो मेरा. तो सॉलिड क्या यूज नहीं करेंगे क्या, तो लिमिट में यूज नहीं करेंगे क्या? नहीं, लिमिट में थोड़ा नहीं, लिमिट सॉलिड तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा. सॉलिड जो है ना वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंक्शन में यूज कर रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी होगी. इसकी वैल्यू अमित निसाल वो फंक्शन में यूज कर रहा है. लिमिट तो हम यहां से फंक्शन जो हमें दिख रहा है ना, फंक्शन ऐसे लाइव जा रहा है ना, तो फंक्शन की नाइबरिंग वैल्यू की बात करते हैं. सॉलिड में कहां नाइबरिंग वैल्यू, ये तो पॉइंट हो गया ना. और अगर ये पॉइंट हो गया तो इसमें कहां नाइबरिंग वैल्यू चेक करें, नाइबरिंग वैल्यू हम इसमें चेक करते हैं ना, तो हम नाइबरिंग वैल्यू इसमें चेक करेंगे, ठीक है. कंफ्यूज मत होना, है ना. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी बात करेगा, चाहे वो 0.001 से बात करेगा, 0 से लेके 1 की जब भी बात करेगा, 0 से लेके 1 में जितनी भी वैल्यू आएगी
उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही आएगा। ध्यान रखना, जीरो से लेके वन का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, आप इंटीजर अटेंड करना चाह रहे हैं ना, तो जीरो से लेके वन की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगी बेटा आपके पास, हमेशा ध्यान रखना वो वन आएगा, हम जीरो आएगा। अगर वो वन से लेके टू के बीच में कोई भी वैल्यू दे देगा, वन से लेके टू के बीच में, आप टू टू को टच नहीं करेगा ना, टू को टच नहीं करेगा, वन को यहां से टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं 0.99999, तब तक जीरो रहेगा, और यहां से बेटा वन से लेके 1.99999 तक ये आपकी जो वैल्यू आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही आएगा। गलती तो नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे, 1.001 से लेके 1.001 से लेके आपका 1.9999 तक, तो हम यहां से स्मॉलेस्ट इंटीजर जो भी हमारे पास आता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर हम यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ, डस नॉट डिपेंड इज अबव 4 पर तो सॉलिड का लिमिट के लिए यूज। अमित निषाद बड़ा कंफ्यूज है बच्चे, अमित निषाद पहले मैं तुम्हारा डाउट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करता हूँ। कई बार बेचारा कमेंट कर चुका है तो मैं इसको बार बार बता के आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। और आप कमेंट जल्दी जल्दी करना बेटा, देखो यहां से सुनो, हमने 6 पे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक की, फिक्स्ड पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, 6 पे फंक्शन की वैल्यू हमने 1 आई, फिर हमने लिमिट चेक किया, हमने बोला यहाँ तो फंक्शन है ही नहीं, यहाँ तो एक पॉइंट है, हमें तो फंक्शन चाहिए ना, फंक्शन का वेरिएशन कैसा, तो फंक्शन की लाइन यहाँ जा रही थी, तो 6 के हमने इस साइड चेक किया तो फंक्शन की लाइन ये मिली, इस साइड चेक किया तो फंक्शन की लाइन ये मिली। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है ना, तो ये लाइन जो है ना, वो लाइन हम देखते हैं ना पॉइंट पे, हम लिमिट कैसे चेक कर लेंगे, पॉइंट पे लिमिट नहीं चेक कर सकते ना, लाइन पे देखते हैं कि हाँ इसके लाइन के इधर, इसके लाइन के इधर। अमित निषाद बच्चे अगर क्लियर हो तो प्लीज बता दें, है ना, और ना क्लियर हो तो मुझे बता दें, है ना, मैं बार बार आपका कमेंट आता है तो, है ना, तो मैं कंफ्यूज करता हूं। यस, दो को जब तक टच नहीं करे, चार पर देख लो, चार पे देख लो, चार पे बेटा अगर हम यहां से फंक्शन लिमिट की बात करेंगे तो 4 से माइनस इधर आएंगे तो ये लाइन मिलेगी, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, 4 के इधर जाएंगे तो इसको कट करेगा, और अगर इसको कट करे, इसको जब कट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 हो रहा है, चार कहां गया, देखो ऑलमोस्ट 1 हो रहा है, इसको कट करेगा तो ऑलमोस्ट 2 हो रहा है, इसको कट करेगा तो ऑलमोस्ट 2 हो रहा है। अरे यार बार बार वही पे, 6 पे सॉलिड पे, 6 पे सॉलिड पे, 6 पे सॉलिड पे, 6 पे सॉलिड पे फंक्शन की वैल्यू निकाल तो दी है, ये देखो 6 पे सॉलिड पे फंक्शन की वैल्यू निकाल तो दी है, वहां कोई फंक्शन है ही नहीं, वहां पे केवल वैल्यू है, एक पॉइंट है बस, एक पॉइंट है बस। मैं पिछले हाफ एन आवर से देख रहा हूं कि मतलब उसमें परेशान हूं, जब मैं बोल रहा हूं वो पॉइंट है तो पॉइंट की वैल्यू बात करोगे ना, प्लीज उसको समझो ना यार, चार पे सॉलिड को ऐसे, चार पे सॉलिड को कहां ऐसे किया, चार पे सॉलिड को हमने सॉलिड के इस साइड वैल्यू देखी, देखो ना ये फंक्शन गया है, इसकी वैल्यू ली है, अरे देखो ना इधर, इधर देखो ना, चार पे हमने प्लस पे 2 लिए, माइनस पे 1 लिए, माइनस पे 1 लिए, प्लस पे 2 लिए, कैसी बातें करते हो, एक ही लाइन लिखते जाना बस, लिखते जाना बस, लिखते जाना, समझने की जरूरत भी तो होती है ना कि हम समझे, चार के माइनस इधर ये फंक्शन आ रहा है, चार के प्लस इधर ये फंक्शन आ रहा है, समझो ना यार, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, डन, चलो चलो, है ना। आप मैथमेटिक्स मतलब हम थोड़ा सा जस्ट बात करेंगे इंजीनियरिंग लेवल पे, बस थोड़ा सा बेसिक एक बार हो जाए ना तो आपको मजा आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो यहां से बच्चे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब जब आपसे बात करेगा तो हमें जस्ट ये देखना है कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है, नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर, है ना, मैक्सिमम वाले पे नहीं जाना। अच्छा, अगर बेटा नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर की बात करो, कोई बात नहीं, इधर इधर देखो, इधर देखो, नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर की बात करेगा तो मैं इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर मैं यहां से जस्ट बोलूंगा तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस में बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहां से बेटा जस्ट जो आएगा वो 1 माइनस आएगा, और 1 माइनस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9999 आएगा, और ये वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू, आप यहां से 1 प्लस पे बात करोगे, और 1 प्लस पे बेटा आपके पास यहां से, आई एम सॉरी, इसको उधर है, यहां से इसको जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, बस बहुत क्लियर ग्राफिकली भी बता रहा हूं अभी, है ना, आप ऐसा मत सोचना कि सर इसमें ग्राफिकली नहीं बताया। लिमिट x टेंस टू, आप अगर 1 प्लस पे बात करोगे तो 1 प्लस आएगा, और 1 प्लस इज इक्वल टू बेटा 1.00001 कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप यहां से बोलोगे सर जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कर पाओगे,
लिमिट आप यहां से जस्ट बोलोगे सर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहां से जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट मैं बात करना चाह रहा हूं। और मैंने बोला कि ठीक है सर इतनी बात तो मुझे क्लियर है लिमिट के बारे में, ओके, लेकिन मैं इसको ग्राफिकली समझना चाह रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे जाता है वो समझिए, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे जाता है वो समझिए। यहां से लेट सपोज आपके पास कुछ इस टाइप से, ठीक है, वन आएगा, वन वन, प्लीज समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो यहां से जीरो से लेके वन के बीच में यहां पे आपका हॉलो सर्कल आ जाता है, वन, जीरो से लेके वन, फिर वन से लेके यहां से टू के बीच में यहां हॉलो सर्कल आता है, फिर टू से लेके बेटा यहां से थ्री के बीच में ये हॉलो सर्कल आता है। बहुत आराम से समझिएगा, यहां से बच्चे अगर मैं जीरो से लेके वन की बात करूंगा, ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। अगर कभी ट्वेल्थ में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको देखिएगा, है ना। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि जीरो से लेके वन के बीच में अगर आप फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में कितनी आ रही है बच्चे, यहां से देखो, जीरो से लेके वन के बीच में आप कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू तो आपकी वन आ रही है। देख लीजिए यहां से, जस्ट अगर यहां से देखेंगे, ये आपके पास लिमिट जीरो से, सॉरी जीरो से लेके वन के बीच में आपकी फंक्शन की वैल्यू तो जीरो आ रही है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। लिमिट की वैल्यू की बात कर लेते हैं, लिमिट आपका कितना एग्जिस्ट कर रहा है, देखो यहां से जीरो, लिमिट आपका यहां से जीरो, प्लस पे बात कर ले, जीरो माइनस पे बात यहां से बात कर ले, सॉरी वन प्लस पे बात कर ले, चाहे हम वन माइनस पे बात कर ले, वन प्लस पे और वन माइनस, वन प्लस पे जो लिमिट आ रही है आप बहुत प्यार से समझना कि वन प्लस पे जो लिमिट आ रही है वो ये आ रही है सर, वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, और वन माइनस और वन प्लस पे जो आ रही है वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। टू पे बात कर लीजिए, तो टू पे जब आप बात करोगे तो सर टू माइनस पे बात करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, और टू प्लस पे बात करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। थ्री पे बात करोगे तो बेटा वो थ्री और फोर आ जाएगी। इसका मतलब दुनिया में जिंदगी में कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम की आपको चीज मिल जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा हर इंटीजर के लिए। ध्यान रखना, आप एक बहुत प्यारा सा नोट लगाएंगे फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है, नोट लगाएंगे यहां से, ये चीज दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने नहीं सर मुझे, फॉर ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स सर, सारे के सारे इंटीजर के लिए, ऑल इंटीजर्स हमेशा ध्यान रखना है ना। आप यहां से जस्ट बात करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, अगर आपसे बात कर दे कोई सा भी इंटीजर की बात कर दे, कोई सा भी इंटीजर की बात कर दे सर, हमारे पास फॉर ऑल इंटीजर्स है ना। यहां से आप यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट। और ये सुंदर सा नोट लगा देना, सुंदर सा प्यारा सा, दुनिया में कहीं पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखे ससुर को उड़ा देना, एकदम चीर देना। और मैं आपको अभी दो तीन एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये रहा, और अगर आपको यहां से जस्ट करना है कि सर मैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर पे थोड़ा सा और काम करना चाह रहा हूं, तो मैं अभी आपको और दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा और बताओ अगर मुझसे यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात ना करके मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर देता, फ्रैक्शनल पार्ट, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे, अब मुझसे यहां से जस्ट बात कर देता कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करता, लेट सपोज उसने यहां से बोला कि लिमिट एक्स टेंस टू वन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल दो। अब मैं यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जब बेटा बात करूंगा तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि सर वो फ्रैक्शनल पार्ट किसकी बात कर रहा है, कौन से फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। बहुत आराम से समझना, मैं यहां से बोलूंगा कि मैं वन माइनस पे चेक करता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वन माइनस कितना होगा बेटा यहां से एक्स, इट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बता सकते हैं, सर ये 0.99999 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहा है ना, ये फंक्शन डिफाइंड, हाँ फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कहीं पे भी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करेगा, चाहे जीरो, ऑल इंटीजर्स लिख दिया मैंने, है ना। जिंदगी में मैं अगर ये बोलूं, मैं अगर आपको एकदम से बोलूं, हालांकि मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बोलूं कि लेट सपोज बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं,
कि बृहस्पति ग्रह पे सारे इंसान अभी नहीं रह सकते, अभी किसी के लिए भी जीवन अनुकूल नहीं है, तो वो सारे इंटीजर्स के, ऑल इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 है ना, तो कहीं पे भी बात करेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। और ये एक सुंदर सा नोट लगाना, क्योंकि ये तुम्हें जिंदगी में बहुत बार परेशान करेगा, है ना, बहुत बार परेशान करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि वो 0.22 होगा, 0.33 होगा, 0.11 होगा, है ना, ऐसे कुछ होगा, 1.1 से कुछ ज्यादा होगा, कुछ ऐसी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है, कुछ भी ऐसी ऐसी वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी, तो इसको जस्ट दिमाग में डालिएगा, ठीक है। अब हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे थे कि देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब वन इंटीजर हो गया, देखो मैं आपको समझा देता हूं, वन इंटीजर हो गया समझना, वन के आगे जितना आपके पास यहां से आ रहा है, वन के आगे 0.22, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट, ये रहा आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। और समझिएगा 0.999999, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इंटीजर के अलावा जो कुछ भी गिवन है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंटीजर के अलावा जो कुछ भी है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। अब हम इंटीजर के अलावा अगर यहां से बात करना शुरू करें तो एक्स इज इक्वल टू उसने वन बोला, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वन के जस्ट इधर और वन के जस्ट इधर, वन के जस्ट इधर ये मेरे पास एक लाइन है। अब इसका मुझे वन का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, बहुत प्यार समझना, है ना, बहुत प्यार से समझना कि वन का, अरे फ्रैक्शन रुक तो जाओ, मैं ग्राफिकली भी समझा रहा हूं, पहले अल्जेब्रा समझा दूं, पहले अल्जेब्रा समझाता हूं, अरे तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन रुकोगे, सुनो, हम अभी बताइए एक बार क्या मुझे देख पा रहे हैं क्या सारा का सारा, मतलब पूरा माहौल ही खराब कर दिया एकदम से। वेलकम बैक वंस अगेन, लैगिंग अगेन, अब तो नहीं करना चाहिए यार, अब तो दिख रहा हूँ मेरे ख्याल से, अभी क्लियर होगा ना यार, टाइम तो हो गया लेकिन बड़ा मजेदार चीजें थी सब, आज तो मैंने मतलब स्टार्ट भी नहीं कर पाया अभी तो, आई वॉज जस्ट कि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं और उसके बाद हम लोग कल से लिमिट स्टार्ट कर दे, मैंने कोई फॉर्मूला कुछ भी कोई बात ही नहीं की। वेलकम बैक, स्टार्ट करें क्या, चलो। तो हम लोग ना यहां से जो बात कर रहे थे वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बात कर रहे थे, ठीक है,
हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बात कर रहे थे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ है ना कि मैं क्या करने जा रहा था और अचानक से क्या हो गया, तो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद मैं आपको लीव कर दूंगा ना, बिकॉज फिर वो कल वाला मजा नहीं आएगा, फिर मुझे कल सारी चीजें फिर से कनेक्ट करनी पड़ेंगे ना। तो कल हम लोग यहाँ से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को देखेंगे, आज हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए। तो बेटा हमने यहां से जस्ट जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, एक चीज पहले दिमाग में डाल लीजिए कि अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है तो आप पहचान लोगे, एंड दिस इज नथिंग, अगर इस टाइप से लिख के देता है तो दिस इज नथिंग, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, कि एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपसे इंटीजर की जस्ट बात कर रहा है, आपसे यहां से इंटीजर की बात कर रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब वो आपसे फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। तो दोनों चीजें अपना क्लियरली समझ लीजिएगा। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहा है, तो हमने यहां से बोला कि चाहे वो वन यहां से जस्ट बात कर लेता, लेट सपोज वो वन पे बात कर रहा है, लेट सपोज वो वन पे बात कर रहा है, तो वन का जो भी 1.002 की बात कर ले, 1.55 की बात करे, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, या वन से उधर की बात करें तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत आराम से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू बच्चे हमसे वन की बात कर रहा है, और ये हमसे यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करूंगा, ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के बारे में बात करे तो मुझे मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 1.00001 के आसपास कुछ आएगा है ना, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना आएगा बेटा, वो 0.00001 आएगा, और 0.001 को ऑलमोस्ट हम कितना लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। बहुत प्यार से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर हम बात करेंगे तो 0.99999 आएगा और यही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो बेटा ये हमारे साथ हमेशा इक्वल टू वन के आसपास आ जाएगा, और अगर इक्वल टू वन के आसपास आ जाएगा तो आप क्लियरली बोलेंगे सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो चाहे x इज इक्वल टू वन की बात कर देता, चाहे x इज इक्वल टू टू की बात कर देता, लेट सपोज उसने यहां से x इज इक्वल टू बेटा आपसे टू की बात की, लिमिट x इज इक्वल टू उसने टू की बात की और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात कर रहा है, आप यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे डिस्कशन कर रहे होते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आप यहां से क्लियरली बोलते कि सर ये 2.00001 आएगा और इसकी वैल्यू 0.0001 जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी। और मेरे बच्चे अगर यहां से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1.99999 होगा कुछ इस टाइप से, इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.99999 और इसकी वैल्यू 1 आएगी। सर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है। एक एक चीज यहां से जस्ट आरएचएल बेटा हमने यहां से जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो भी आपका जो वैल्यू है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमें केवल उसको उठाना और उससे हमारा मतलब। ऐसा होता ना कभी आपने देखा हो कि जब आपको एग्जांपल देता हूं, नई नई जैसे किसी की शादी होती है, जब नई नई शादी होती है तो जब नई नई शादी नहीं शादी में लेट सपोज गए तो जब शाम को खाने वाले का टाइम आता है तो दूल्हे को अलग बिठा दिया जाता है, और मतलब सब लोग दूल्हे के साथ खाना खाना चाहते हैं जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं ना, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट है वो उसको उठाना चाह रहे है ना, वो समझ जाओ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है आज आज ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ मतलब अलग ही लेवल होने वाला है, बोर्ड ऑफ हो गया आज, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है आप मतलब स्क्रीनशॉट भी नहीं हो पाया और अचानक से पता नहीं क्या हुआ बोर्ड ऑफ हो गया, मेरा पैर वायर पे पड़ गया और बोर्ड ऑफ हो गया आज, मतलब दिन ही बिगड़ गया एकदम से। यस, LHL पे 1.999 आएगा और 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.999 ना, और अगर 0.999 फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो दैट विल बी उसका, अभी लाइट चली गई, अभी ना लाइट चली गई तो अचानक से मतलब पूरी कहानी बदल गई, कल से कंटिन्यू, रुको रुको मैं मतलब देख रहा हूँ, हाँ आज एकदम से मतलब
तरक्की देख इधर देखें, चलो चलिए 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 चलिए, हाँ अभी लिमिट ओवर, हाँ मतलब उसकी भी एक लिमिट है, क्या कर रहे हो अभी तुम, क्या कर रहे हो यहाँ से, कितना क्या करे जा रहे हो, तो उसकी भी एक लिमिट है कि मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं तुमको बेटा वो जो पीपीटी थी वो तो गई, और स्क्रीनशॉट अब मैं किसी को बोलूँगा तो वो निकाल के देगा, है ना, वो आपका यूट्यूब से निकाल के देंगे स्क्रीनशॉट। आई एम सॉरी कि ये एकदम से बंद हो गया और मैं आप कुछ इसमें कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज हो गया तो हो गया, है ना। अब आप लोग चाहे जो भी बोले, चाहे जो भी बोले, सुनना तो पड़ेगा। ये हो गया, मैं अभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना अभी एकदम से पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। चलिए हाँ, तो बच्चे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में। हाँ, वीडियो बैक करके ले लेना, वीडियो बैक करके लेना। इधर सुनो, मैं पहले पॉइंट समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका मिस हो जाएगा तो वो मिस नहीं करना पॉइंट, है ना। हमने यहां से जस्ट बेटा जो बात करनी है वो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे डिस्कशन करना है ना। हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करना था वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे डिस्कशन करना, फ्रैक्शनल पार्ट पे डिस्कशन करना है। बस ये ध्यान रखना है कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे डिस्कशन करना है, ठीक है। हाँ चलो, नोटेड है तो बेटा जिसका नोटेड है वो बस इतना कर लेना कि मतलब किसी ग्रुप में डाल देना ताकि बाकी बच्चों को मिल जाए, जिसने नोट कर लिया प्लीज वो इतना कर लेना। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से जस्ट देखूंगा तो मैंने बोला कि लेट सपोज हमने लिमिट x इक्वल टू जीरो पे बात की, ले x इक्वल टू वन पे बात कर लेते हैं ना, तो हमने वन प्लस चेक किया, वन प्लस चेक किया तो हमारा कितना है 1.0001, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है आपके पास 0.0001, है ना, और 0.001 को ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना लिख देंगे जीरो, ठीक है। अगर मैं वन माइनस पे बात करूंगा तो बेटा कितना आएगा 0.99999 की ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आ जाएगा 1, और ये हम बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से लिमिट एक्स टेंस टू 2 कर देता, है ना, और यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर देता तो मुझे क्या मिलता, मैं बोलता कि देखो 2 प्लस पे बात कर लेते हैं, 2 प्लस पे बात करते तो 2.0001 आ जाता, अगेन 0.0001 फ्रैक्शनल पार्ट था, इसका कितना आ जाता 0 आ जाता। 2 माइनस की बात कर लेते हैं तो 2 माइनस पे 1.9999 समथिंग दिखता, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बेटा हमारे पास 1 आ जाता, तो 1 आ जाता और फ्रैक्शनल पार्ट ये भी लिमिट कितनी कर जाती, डज नॉट एग्जिस्ट। बस हो गया कहानी, खत्म। जैसे इतनी बात बोल दे आप समझ जाना किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे, वैसे ही हम यहां से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बात करते हैं कि फॉर एनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फॉर एनी, आपको यहां से मैं फिर से लिखा दे रहा हूं नोट, फॉर ऑल इंटीजर्स, है ना, फॉर ऑल इंटीजर्स, अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करेगा यहां से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि जैसे क्वेश्चन हमारे सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखा दे 2, 3, 4, 5, अबे हटो, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, बस फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, ठीक है, बस फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझ गए। तो हमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो सर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ये गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, समझ गए। तो फ्रैक्शनल पार्ट का अब आप यहां से बात करो, सर अच्छा लेकिन मुझे ना ग्राफिकली समझना है, अगर आप ग्राफिकली समझा पाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो ग्राफिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है वो चीज मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको यहां से जस्ट मैं दिखाता हूं, उसको प्लीज यहां से देखना। मैं यहां से जब भी बेटा ग्राफ की बात करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है, ये ग्राफ जो है ना वो कुछ बेटा इस टाइप से दिखता है, कुछ इस टाइप से दिखता है, आप ध्यान से देखना, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं है। ये यहां से ऐसे आता है, ये यहां से ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे जो है वो 1 है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप एक मिनट में ये चीज समझ जाएंगे।
कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे सर तो जीरो आ जाएगा, और सर राइट हैंड लिमिट अगर हम यहां से जस्ट देखना शुरू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से किसी भी पॉइंट पे, अगर सर हम इसकी इसको देख लो, टू को बहुत प्यार से देखो, अबे देखो ना टू को, यहां से देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो सर ये वन आ जा रहा है, टू माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ जा रही है वो वन, अरे टू प्लस पे देखो ना यार, टू प्लस पे देखो सर क्या जीरो आ जा रहा है, थ्री पे देख लो, थ्री पे लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ जा रही, राइट हैंड लिमिट आपके पास जीरो आ जा रही, क्या समझ पा रहे हैं इस बात को, क्या समझ पा रहे हैं, थ्री के इधर देखोगे, इधर देखोगे ये, फोर के इधर देखो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, ऐसा बना लो है ना, फोर के इधर देखो जीरो, क्या ये चीज फील कर पाए, क्या ये चीज फील कर पाए, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, लेफ्ट हैंड लिमिट वन राइट हैंड लिमिट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट वन राइट हैंड लिमिट जीरो एंड फिनिश डन, क्लियर, ठीक है, तो हम दोनों तरीके से देखते हुए चल रहे हैं, ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिएगा, हम तो दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, चलो अब मुझे यहां से जस्ट एक बेहतरीन टाइप की चीज, बेहतरीन टाइप की चीज अगर आप बताएं तो मैं करूं, और अगर ना बताएं तो फिर मैं ना करूं, ठीक है, एक बेहतरीन टाइप की चीज और आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए कि हाँ सर मैं कर पाऊंगा, ऐसा ना हो कि कोई और क्लास तो नहीं है अभी, कोई और क्लास तो नहीं, हाँ सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो, ना 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 ना, ना मैं, मेरे मुंह से निकल गया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है और इधर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, ऑलमोस्ट वन, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इधर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है वन, राइट हैंड लिमिट जीरो, चले मत करें, मतलब क्या क्लास ना करें या कल बताएं, कंटिन्यू करें, अच्छा कंटिन्यू करें, चलो एक बेटा यहां से जस्ट आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जरा मुझे बताइएगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब करते हैं तो कैसे करते हैं, हम यहां से बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, ये टेन इनवर्स वन बाई एक्स पे जब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो सर हम सिंपल जस्ट बताते हैं, मतलब हमारे पास एफएक्स जो है वो एफएक्स जो है वो टेन इनवर्स हमारे पास वन बाई एक्स, देखिएगा है ना, आपको क्वेश्चन अभी मैं करा नहीं रहा हूं, अभी आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं है ना, क्वेश्चन अभी क्लास है क्या, क्लास है, अच्छा चलो फिर इसको कल करते हैं, एक बहुत गजब की चीज बताने वाला था बट अब कल बताते हैं, ठीक है कल बताते हैं, कल बताते हैं, ठीक है चलो 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 कल बताते हैं, जिन लोगों की क्लास है तो अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट था बट अभी टाइम नहीं है तो इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है कल डिस्कस कर लेंगे, ये अभी जो नेक्स्ट हमारा यहाँ से अभी मेरा सेशन चल रहा है, अभी मेरा सेशन चल रहा है, साइलेंसर का सेशन हो चुका है, अभी आपको तीन महान भव मतलब जो है मतलब जो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अपना अपना फील्ड दिया था जिसमें हम लोग बेस्ट हैं है ना, तो जो तीन लोग और अभी बचे हैं प्रतीक सर नीरज सर और दीप्तांशु सर, ये लोग भी मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, तो आप लोग बस मैथमेटिक्स में बने रहिए और एकदम से बेहतरीन तरीके से मैथ करिए, आई वॉन्ट कि मतलब हम मतलब जितने भी पूरी टीम है वो यही चाहते हैं कि आपका पूरे के पूरे मार्क्स आए, ठीक है, यह 6 PM से अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स की क्लास है तो मैं इसको पूरा कर देंगे, पूरा कर दूंगा, परेशान मत हो, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बच्चे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, बाकी आप यहां से जो लोग भी प्लस पे आना चाहते हैं वो ट्राई करें कि प्लस पे आ जाएं, अगर आपका वाकई में प्लान है 2023 के लिए 2024 के लिए तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, ये बेटा आपका फीस स्ट्रक्चर है प्लस का, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप यहां से आ सकते हैं, एंड दिस इज माय कोड, चाहे जो भी ब्रांच का हो अगर उसको मुझसे कोई भी सजेशन चाहिए रिगार्डिंग करियर तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, एंड टू सपोर्ट मी जस्ट यूज द कोड एनी वेयर, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है चलो आगे से मचेगा, अभी कैलकुलस में कुछ मचा नहीं, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी मैं आपका बेसिक चेक कर रहा हूं कि कितना बेसिक है ना, अभी मजा आएगा, दिस इज फॉर आइकॉनिक, ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है 12-18 एज वेल एज 24 मंथ्स, ठीक है, अभी अनअकैडमी का कल कॉम्बैट है 11 बजे से, तो जो लोग भी कॉम्बैट अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड करें,
वन ईयर पे आपका जो भी है वन ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री है रैंक 1-3, 4-10 में 75%, 11-50 50%, 51-200 आपका 25% है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड त्यागी 100। आप जहां पे भी जो लोग भी नए हैं वो अगर अनलॉक करने के लिए बोलता है तो अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं, दैट कोड इज व्हाट त्यागी 100। ठीक है, ये केमिकल वालों का न्यू बैच आपके आते रहते हैं, तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड। आप जस्ट है ना, जो भी आपको लग रहा है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ रहे, मैकेनिकल वाले भी सेम कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ना अपना सेशन जो है एंड करते हैं, और आई होप कि मतलब टेलीग्राम की लिंक पिन, अच्छा कल सर बोल रहे हैं कि टेलीग्राम की लिंक पिन कर देंगे, और आज काफी कंफ्यूजन हुआ। आशीष मिश्रा का कहना है कि काफी कंफ्यूजन हुआ, और जबकि सबको लगता है कि लिमिट बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं कि लिमिट आसान है अगर आपको बिल्कुल बेसिक पता हो। तो आज मैंने मतलब इतना बेसिक पढ़ाया और उसके बाद कंफ्यूजन हो रहा, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा देख लेना, कल मैं आपको एक बार 10 मिनट में इसको पूरा रिवाइज करूंगा और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप जुड़े रहिए, क्वेश्चंस आपका नहीं रुकेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर आना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, सब लोग मस्त रहो, हैप्पी रहो, और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करो कि कल से ज्वाइन करें, कल से हम लोग लिमिट पे थोड़ा सा एंट्री करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, चलो फिर लीव करते हैं। ओके, थैंक यू।